अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? सुबह बखैर जी। बड़ी आदत है हम एक दूसरे से सुबह मिलने की और वो आदत अब दोबारा शुरू हो गई, लेकिन मेरी नींद नहीं पूरी हो रही क्योंकि मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही। ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही होगी, होती है ना, जब आप सहरी के लिए उठते हैं तो एक शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है और उसके बाद उस वो आदत छोड़ने में भी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी तर्क करनी पड़ती है। किस लिए? इसलिए कि आप ख्वाब देखते हैं। आप जब ख्वाब देखते हैं, आप किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, सो उसके लिए अपनी बहुत सारी ऐसी हैबिट्स जो उस ख्वाब तक पहुंचने के लिए आपके दरमियान, उस ख्वाब के और आपके दरमियान ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावटें लाता है, सो आपको अपनी आदत को तर्क करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको मिसाल देना शुरू करूं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, अलग अलग ख्वाहिशात होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आपका एक ड्रीम होता है कि ये वाली जो साइकिल मेरी दोस्त के पास है, अब के मैं पैसे जमा करके ये साइकिल खरीदूंगी, और आप उसके लिए कतरा कतरा जोड़ती हैं या जोड़ते हैं, है ना, ताकि आप अपना ख्वाब खुद पूरा कर सके। फिर एक और बहुत बड़ा ख्वाब होता है कि हम स्कूल में जाने माने जाएं, हम प्रीफेक्ट बने, मॉनिटर बने, मगर उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, अपनी टीचर को इम्प्रेस करना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है, अपने आप को मनवाना पड़ता है कि आप अच्छे स्टूडेंट होने के साथ साथ डिसिप्लिन भी हैं, टीचर की सुनते भी हैं, ओबीडियंट भी हैं, या फिर आप अपने स्कूल कॉलेज में मशहूर भी हैं तो जाके आपको वोट्स मिलते हैं कि आप प्रीफेक्ट बन सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब मेरा पूरा हुआ है। मैं पूरे स्कूल की प्रीफेक्ट थी, क्योंकि ज़रा से हमेशा से मैं चीज़ों को मतलब चीज़ों तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करती रही हूँ और ये मेरी आदत बन गई। ये जब मैंने अपनी आदत बनाई तो कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको देखा, जिसकी हसरत की, जिसका ख्वाब आंखों में सजाया और वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। क्यों? क्योंकि जो हैबिट बनाई मेहनत करने की, उसने ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ पैदा की। अब जैसे मैं आगे बढ़ूँ, अगर अक्सर ऐसा हुआ है कि कभी किसी दोस्त को या मुझे पैसों की ज़रूरत है तो बड़ी एफर्ट करके आपने कमेटी के लिए लोग जमा किए, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, चलो यार कमेटी डाल लो। जब आप पूरी एफर्ट करते हैं तो ही आप किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर यानी कमेटी डालकर आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। आपको पहली बीसी मिलती है क्योंकि कमेटी आपने खुद क्रिएट की होती है, सबको जमा किया होता है, एक एफर्ट की होती है। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि किसी और की ज़रूरत के मैं काम आई हूँ। अक्सर मेरी मदर इन लॉ जो है, जब उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी या कोई ऐसा ज़रूरी काम करना होता था या कोई कमेटी के पैसे दरकार होते थे तो वो मुझे पकड़ती थी, दादा तुम दो कमेटी डालोगी। अच्छा, दूसरी बहू को कहती थी तुम, मतलब ये तो हक से बोलने वाली बात है, तुम इतनी कमेटी डालोगी। सो ख्वाब इसी तरह पूरे होते हैं। और किसी भी ख्वाब को पूरा करने के लिए, यानी मोटरसाइकिल से गाड़ी का सफ़र करने के लिए, एक अपार्टमेंट से, एक फ्लैट से बड़े घर या प्लॉट खरीदने के तक के सफ़र, ससुराल में अपना नाम बनाने से लेकर अपनी इज्जत और वकार बढ़ाने से लेकर, हर चीज़ के लिए आपको मेहनत दरकार होती है। ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट ही आपको कुछ मिल जाएगा, आपने कोई मेहनत की नहीं और आपकी आँख खुली, वाह ट्रे में रखी हुई चीज़ आपके सामने आ गई। बल्कि मेरी अम्मी तो कहती थी कि हमें तो हमेशा कुआं खोद के ही पानी पीना पड़ता है, और इसमें कोई आर भी नहीं है, क्योंकि जब आप कुआं खोद के पानी पीते हैं ना, तो उस प्यास, उस पानी से जो आपकी प्यास बुझती है, शायद वो आपको कहीं ऐसे ही पानी मिल जाए तो आपकी प्यास ना बुझे उससे। सो ये ही चीज़ मेरी और यासिर की ज़िंदगी में भी रही। हम बहुत मेहनत मशक्क़त करते हैं फिर जाके एक मुकाम तक पहुंचते हैं या अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं, और इसी तरह मेहनत के साथ हमने अपनी फिल्म चक्कर बनाई है। अब इस मेहनत की जो ड्रीम्स हैं वो पूरे तब होंगे जब आप जाकर देखेंगे चक्कर। सिनेमाघरों में इस वक्त लगी हुई है और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि फिर ना कहना खबर ना हुई। सो हमसे प्यार का इजहार इस तरह भी हो सकता है। वैसे एक बात हकीकत है, काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं या मुझे देखते हैं तो
एक कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलता है कि वाव निदा, मतलब टीवी पे फिर आपका वजन थोड़ा ज़्यादा लगता है सामने देखने से, तो आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मैं इस तरह बटोर रही होती हूँ और वो कॉम्प्लीमेंट्स मेरा खून बढ़ा देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई डिज़ाइनर मुझे कपड़े भेजता है, उसके कपड़े मुझे फिट आ जाते हैं, कहीं से भी टाइट नहीं होते, सो मैं कहती हूँ ओ गॉड शुक्र है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए मुझे कितना दिल मारना पड़ता है, अपने होठों को सीना पड़ता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने मेरे आगे से यूं और यूं जा रहे होते हैं, मगर अपने अपनी जो विल पावर है उसको कंट्रोल करके, मेहनत करके, कभी जिम जाके, कभी डाइटिंग करके, अलग अलग चीज़ें अपने ऊपर आजमा कर, कभी रनिंग करके, कभी वॉक करके, अपने वज़न को जो मैं चाहती हूँ, जहाँ मेंटेन रखना चाहती हूँ वहाँ रखती हूँ, मतलब अपना वेट वॉच करती रहती हूँ, तब जाके अच्छे कपड़े पहन पाती हूँ, तब जाके एक्टिव रह पाती हूँ, तब जाके एक यंगर लॉट में रह पाती हूँ, क्योंकि आपकी एज वही है जो आप दिखते हैं, जो आप नज़र आते हैं। अगर आप पहले की देखेंगे माएँ, उन्होंने शादी के बाद अपने आप को छोड़ दिया होता है और चार बच्चे हो गए तो लगती हैं कि चार बच्चों की माएँ हैं। सो मुझे तो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि आप तीन बच्चों की माँ नहीं लगती, हालांकि मैं बहुत प्राउड मदर हूँ, मैं लगना चाहती हूँ तीन बच्चों की माँ, मगर फिर मैं खाली यासिर की बीवी भी लगना चाहती हूँ कि मेरा मियाँ मुझे ना कहे, चाहे उतना खुद मोटा हो जाए, पर मुझे वहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मेरे हस्बैंड से चाहिए वो मिलते रहने चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। सो इस मेहनत में मैं आपको भी शामिल करना चाहती हूँ। अक्सर लोग जब आप हसरत से किसी दूसरे को कहते हैं यार कैसे करती हैं आप ये, सो वो कैसे करने वाली चीज़ में कुछ नहीं छुपाती आपसे, और जो जो करती हूँ वो आपको साफ साफ बताती हूँ। मेरी कुछ ऐसी दोस्तें भी हैं जो इस शोबिज़ में आप जिनको कहें कि जैसे उनकी उम्र रुक सी गई है, जैसे उनका वज़न रुक सा गया है, लेकिन इसके लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना वेट वॉच करना पड़ता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मसरूफियात के अलावा, कि आज वो आपसे शेयर करेंगी, क्योंकि यहाँ इस शो पर आकर हर कोई ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कुछ नहीं छुपाता अपनी पब्लिक से, अपने फैन से। सो ईद के बाद अब मैं ये जो इतनी तमहीद बांधी है, अब मैं बताती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। ईद के बाद बड़ी हमने शीर खुरमे खाए, बड़े रमज़ान में पकौड़े खाए, सोचा था कि रोज़े रखने से वज़न कम हो जाएगा, मगर क्योंकि वो जो अर्ज रोज़े रखने के बाद होती थी कि अब रोज़ा खुलेगा तो मैं आज समोसा खाऊंगी, मैं आज ये खाऊंगी, इतनी फिल्म की प्रमोशन की भागदौड़ में मुझे होश नहीं रहा और मैं अपना वेट वॉच नहीं कर सकी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो सिरा मैंने पकड़ा हुआ था वो मेरे हाथ से निकल रहा है, इससे पहले कि सिरा निकल जाए और आप स्क्रीन पे देख कहने लगे निदा मोटी हो गई है, वो लफ्ज़ मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा कि निदा भर गई हो, मोटी हो गई, आह हा वो मेरी मौत है, वो बर्दाश्त नहीं करना, और इसीलिए वक्त से पहले थोड़ी डाइट शुरू करनी। अच्छा अब मैं क्या डाइट कर रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपको बता रही हूँ, फिर मेरी अगली सेलिब्रिटी क्या डाइट कर रही है, ब्रेक के बाद वो जो हम करने वाले हैं वो हम आपसे शेयर करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं किसी भी सेलिब्रिटी की डाइट अपने ऊपर आजमाना, क्योंकि सबकी अलग अलग बॉडीज़ होती, क्या पता आपको क्या सूट करे, सो ये हम साथ मिलके करेंगे, आज अहद करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आइए मिलके मेहनत करते हैं ताकि हम लगे खूबसूरत और जवान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आइए ना ख्वाबों को एक साथ मिलके पूरा करते, और आपके ख्वाबों को पूरा करने में हमारे साथ तावुन किया है इन सारी सेलिब्रिटीज ने जो यहाँ इस वक्त मौजूद है मेरे पास। यहाँ शर्मीन मौजूद है, शर्मीन अली जो है वो हमेशा से खूबसूरत और दुबली पतली स्मार्ट नज़र आती हैं, सो इसके पीछे कितनी मेहनत है ये हमने पूछना है, और अभी कुछ कितना वज़न कम करना है तुमने क्या सोचा हुआ है, कितना बढ़ा लिया? ये पिछला हफ्ता मैंने इतना खाया है, हाँ। आज से मेरी डाइट स्टार्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा मैंने, आई थिंक आई नीड टू लूज A good 6 to 7 pounds. Okay, तो मैं अभी सबका इंट्रोडक्शन करा दूँ और सबसे सिर्फ ये पूछूंगी कितना कितना वजन करना है कम, और फिर ये ख्वाबों को एक साथ हम पूरा करेंगे। 6 to 7 फॉर शर्मीन अली। किरण हमारे साथ मौजूद है जो कि हमेशा फिट, मतलब बिल्कुल तैयार, कभी मोटा नहीं देखा, नहीं देखा,
इसके पीछे भी कुछ तो राज होगा। हाँ कह सकते हैं राज है, लेकिन डाइटिंग मैंने आज तक कभी नहीं की। अच्छा, लेकिन तुम बहुत ही समझदारी से खाना खाती। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो व्हेन यू ईट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू ईट। तो तुम्हें लग रहा है इस ईद पे कुछ वजन बढ़ा है तुम्हें? खाना पीना तो मैंने बहुत किया है और इस बार मैं निकली भी बहुत ज्यादा इधर उधर लोगों के घर विजिटिंग, बट वजन मेरा अभी नहीं। वो कहते ना कुछ दिन के बाद आपको पता चलता है, अच्छा मतलब अभी चढ़ गया है थोड़ा। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ खाने की हेल्दी खाने मैं वापस से अपने रूटीन पर आ जाऊंगी। रमजान की वजह से थोड़ा सा वो था, बट जो मेरा रूटीन मैं 2-3 साल से फॉलो कर रही हूँ उसी पर मैं दोबारा से आ जाऊंगी। डिस्कस करेंगे और अभी सिर्फ हेडलाइंस बताने शो की है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, हिरा सोमरो की तरफ मैं आ रही हूँ। हिरा सोमरो को मैं काफी दिनों बाद देख रही हूँ और मैं देख के बड़ी इम्प्रेस हुई कि माशाल्लाह जब न्यू बॉर्न बेबी होता है बहुत सारी खवातीन डिप्रेशन में चली जाती है, कैसे उतारेंगे बस बच्चे को, कैसे संभालेंगे। मगर ये एक वाहिद कॉन्फिडेंट खातून लड़की मैंने देखी जो उसी वक्त कॉन्फिडेंट थी, कोई बात नहीं ये बल्ज यूं चला जाएगा, ये बल्ज यूं चला जाएगा। और आज मैं देखकर हैरान रह गई। अस्सलाम वालेकुम सबको। मुझे पहले से पता था कि यार दैट इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग। और बच्चा दुनिया में लाना कोई मजाक नहीं होता। योर बॉडी गोज थ्रू ट्रिलियन थिंग्स, लाइक बहुत कुछ चल रहा होता है। तो आपको खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए, टेक योर टाइम, अपने आप को नर्व्स को सूथ करें एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू इट। अच्छा, तो अभी तुमने रमजान में थोड़ी चीटिंग वीटिंग की जरा? और नहीं, कुछ भी चीट नहीं किया, बिकॉज़ मैं शूट कर रही थी ड्रामे के लिए अपने। तो मैंने कोई चीट नहीं की। ईद पे थोड़ा बहुत किया, ईद पे तो कुछ कुछ हाथ खुल गया था, मुंह भी खुल गया था। और ईद के बाद एकदम जो है वो थोड़ा सा ना एक हमें धचका लगता है, वो एक स्टार्ट प्लस की धन धन रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, वो यू ईटिंग टू मच। सो अब तुम जो कुछ प्लान करके आई हो हमसे शेयर कर। और एक और भी चीज है कि फायदा मैं जो डाइट करती हूँ इसलिए भी मैं ज्यादा खाती हूँ, मैं बहुत कम नहीं खाती कि बिल्कुल ही फाका कर लूं, बिकॉज़ आई हैव टू टेक केयर ऑफ अ बेबी। हां, उसको फीड कराना, उसका ख्याल करना बहुत जरूरी है। अगली मेरी गेस्ट है सिरा असगर, जिनकी शादी के बाद सबको लग रहा था हाय सिरा फिर से मोटी हो जाएगी, अब तो शादी हो गई। लेकिन सिरा ने ये प्रूफ करके दिखाया कि आपकी शादी होने के बाद ऐसा नहीं है कि सारी कश्तियां जला दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक। मतलब कहते हैं ना किसी को कोई चीज होती है लगती है, सिरा को जैसे लिखते हैं रास आई है। मुझे एक्चुअली खाना बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इस रमजान आई वुड से थैंक। मैं कह रही हूँ शादी रास आई है माशाल्लाह और प्यारी हो गई है। थैंक यू, तारीफ कर रही हूँ तुम कुछ। थैंक यू तो कहे, आगे बढ़ गए। थैंक यू थैंक यू। सो ये आपने गलत प्रूफ कर दिया लोगों की शादी के बाद आप इधर से मोटे हो गए उधर से मोटे हो गए। क्योंकि मैंने वर्कआउट भी नहीं छोड़ी ना, मैंने अपना रूटीन और वो सब बिल्कुल सही रखा। और रमजान में भी मैं अपने शोहर को थैंक यू कहना चाहूंगी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बनाने दिया, ना मैंने इफ्तारी बनाई ना मैंने सहरी बनाई। क्यों नहीं बनाने दिया? खुद बनाते थे। जो मैंने खाना होता था, अगर मैंने पिज्जा भी खाना है तो ब्रान पीटा आती थी, वो घर में चिकन बनता था। सो ही डिड लेट मी डू एनीथिंग, सो आई डिड नॉट गेन वेट इन रमजान। बट हाँ, ईद पे आई हैड पुलाव जो अम्मी ने बनाया था, मटन। अच्छा, वो गिल्ट भी होती है ना, पुलाव खा लिया वो यहाँ वहाँ से नजर आएगा, so guilt भी होती है। तो वो फिर मैंने एक दो दिन खाया and then I was like कि नहीं, back to routine, because हमने काम पे जाना होता है तो हमें diet वापस से शुरू करनी पड़ती है। so I'm back on my diet. Okay, अब हम 1, 2, 3, 4, 5 लोग कुछ इब्तदा करने वाले हैं। हम कुछ थोड़े दिनों की डाइट करके जो है वो जो भी करेंगे वो आपसे शेयर करने वाले हैं। और इसके लिए एक नहीं टीचर होती है या प्रिंसिपल होती है हर स्कूल में हर क्लास में टिक करने के लिए कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत। सो ये चेकलिस्ट देखने के लिए रखने के लिए हमारी बातों को गलत से सही से गलत, गलत से सही, जो भी जिस तरह टीचर्स करती हैं करने के लिए, हालांकि वो टीचर लगती नहीं कहीं से भी, हमेशा से स्मार्ट रही हैं। आइए वेलकम करते हैं हिना अनीस को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आप भी हमेशा कॉन्शियस रहती हैं, मैं यहाँ से मोटी तो नहीं हो गई, बड़ी मैं मोटी हूँ, ये भी रहती है। सोचो मैं मोटी हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में मैंने वेट लूज कर लिया
और अपने टारगेट जो मेरा था वो मैंने रमजान में, मुझे मोटी अच्छी लग रही थी पता, भर भर भरी भरी हो गई थी मुझे, कहा सब ने यही कहा कि एस्थेटिक्स के इतने सारे कोर्सेज कर कराई है, लगता है अपने मुंह पे सारे फिलर्स और बोटॉक्स लगा लिए, बट देखिए हम निकल गए। लेकिन ये देखे ना स्क्रीन पे आप सोच नहीं सकते कि वैसे कितनी दुबली पतली है, स्क्रीन पे आप बिल्कुल मॉडल टाइप आती है, भरावा दिखाता है आपको तो ऑब्वियसली। लेकिन कुछ लोग ज्यादा ही सारी का नहीं मिलती है, सारी का नहीं जो कमला हसन की एक्स वाइफ हाँ शक्ल मिलती है सारी का से, खानदानी रिश्तेदारी तो नहीं थी दूर दराज देखूंगी। तो अच्छा तो अब हम सब क्या क्या डाइट हमने सोची है बेसिकली, मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ जैसे मेरा वजन बढ़ता है तो मैं एक आज फैशन डाइट एक हफ्ते के लिए कर लेती हूँ। हाँ मुझे याद है निदा आपने बहुत सारे, एक तो कभी सूप डाइट पर होती हो कभी प्रोटीन डाइट पर होती हो, क्योंकि मुझसे पूरी जिंदगी डाइट हो सकती है यार, पता नहीं आई डोंट नो हमारा काम ऐसा है कि आप पूरी जिंदगी दिल नहीं मार सकते। नहीं नहीं जरूरी है भाई, आई मीन वी आर फूडीज, खाना एंजॉय करते हैं हम लोग, आपको करना चाहिए, खाना ही ना खाएं तो फिर मजा क्या, मुझे तक दुख होता है तैयार होकर शादी में जाओ और वहाँ कोरमा नहीं खाए, लड़की नहीं खाए, देख ही तो होता है। मैं बताऊँ मैं शादी में खा के जाती, मेरी बचपन की आदत है, मैं दावत पे जाऊंगी मैं कभी दावत में नहीं खाऊंगी, मेरी बचपन से आदत है। मुझे वो खुशबू आती है कोरमे की, मुझे एक्साइटमेंट होता है। नहीं खाती मैं तो खाती हूँ शीरमाल के साथ, मैं तो जाती हूँ उस कोरमे के लिए। अच्छा मैं आपको बताने के लिए कि आप लोग बिलीव करेंगे कि मैं भी वो शादी का कोरमा थोड़ा सा खाती हूँ, बट बात यही बात होती है ना कि हम इंटेलिजेंट ईटिंग करें, माइंडफुल ईटिंग करें थ्रू आउट, तो हम कभी कभार छोटी मोटी चीटिंग कर सकते हैं। और जब वो चीटिंग तब करें ना जब आपका वेट जितना आपको चाहिए उसे थोड़ा और कम हो। Exactly. अब शादियों का सीजन शुरू है, अब फिर कोरमा पीना हो जाएगा, बिरयानी। अब ये जो आपके पास टाइम मिल रहा है भाई, मैं तो कर रही हूँ 7 दिन वाली डाइट, मैं अब मैं लोगों को भी बता रही हूँ, मैं आपको भी आपसे भी पूछूंगी अगर मैं कुछ ऐड इन करूँ या वो। ठीक है ये डाइट मेरी अम्मी की एक दोस्त थी डॉक्टर यास्मीन, वो हर्बलिस्ट थी, वो अब हयात नहीं है लेकिन उन्होंने यासिर को करवाई थी ये डाइट, और यासिर को फर्क पड़ा था, यासिर को फर्क पड़ जाए तो निदा करेगी तो उसको तो डबल फर्क पड़ेगा। हाँ क्योंकि मैं बहुत रिलीजियसली डाइट करती हूँ, मैं कहीं छुपा चोरी छुपे समोसा नहीं खा लेती, मैं एक दो निवाले नहीं प्लेटों में से उठा के खाती। आई थिंक ये बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, वेदर पे डिपेंड करता है, आपके स्लीप पैटर्न पे डिपेंड करता है, हर चीज पे डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड करता है, अदरवाइज आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म आपके स्ट्रेस पे जा रहा होगा कि आप कितना डिप्रेशन पे, काम ही नहीं करेगा, हैप्पी हार्मोन भी के स्ट्रेस हार्मोन, कभी कभार लोग खुशी में बहुत खा रहे होते हैं, स्ट्रेस में छोड़ देते हैं। अच्छा अब है ना मैं अपनी डाइट बता रही हूँ, अगर इसमें कुछ ऐड इन करना है या कम करना है या मेरी क्या प्रॉब्लम्स अब होने लगी हैं हड्डियों वड्डियों से, तो वो मैं आपसे शेयर करूँ। अच्छा अब आप लोग भी सुन लें, मैं अपनी डाइट से शुरू कर रही हूँ फिर आप सबकी डाइट भी। हम इसको आई डोंट थिंक मुझे याद आ रहा है जिसमें जी एन डाइट के लिए GM, हाँ इसमें होता यह है जो सूप की रेसिपी हम घर में बनाते हैं उसमें हम लेते हैं एक कैबेज, ये तो इन्होंने एक कैबेज नहीं ली लेकिन ये बड़ी है सो मैं इतनी भी ले सकती हूँ, मगर एक नॉर्मल साइज की कैबेज ले लेते हैं, एक गठी धनिया होती है ठीक है, 8 टमाटर होते हैं, 2 शिमला मिर्चें होती हैं, 2 ठीक है इतनी बड़ी नहीं नॉर्मल साइज की, 6 हरी प्याज होती हैं, 1 नॉर्मल प्याज होती है ये ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 लौकी, लौकी नहीं लौकी शौकी नहीं होती, टिंडे लौकी कुछ भी नहीं होता, बस यही होता है ठीक है। और अगर मुझे और अगर आपको टेस्ट के लिए हरी मिर्च डालनी है तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, इसके अंदर मैं टबैस्को सॉस डालती हूँ, उसको बारीक बारीक काट के एक सूप बन जाता है जिसको हम पानी में उबालते हैं, हम बहुत नहीं पकाते, इसमें मैं अपनी मर्जी का काली मिर्च नमक टबैस्को सॉस हल्का सा सोया सॉस हल्का सा सिरका जो लाइक उस फ्लेवर के लिए मजे के लिए, कॉर्नफ्लावर मैं इसमें नहीं डालती, ये ताज़ा ताज़ा सूप रोज सुबह तैयार हो जाता है और ये बिल्कुल वो पतला पानी की तरह हो गया बिल्कुल, हाँ और उसमें कॉर्नफ्लावर नहीं होता, गाढ़ा गाढ़ा नहीं होता, और ये इतने छोटे छोटे कांटे होते हैं कि ये इसको मैं सूप पीती भी हूँ और खाती खा लेती। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो सूप पीते हैं वो कॉर्नफ्लोर के साथ पीते हैं और उनको समझ नहीं आता कि ये ग्लूटेन है, बिल्कुल गलत करते हैं। अच्छा मैं एक चीज और ऐड करती हूं, ये सूप जो है ये मुझे सारा दिन पीना है लेकिन
रोज जिस चीजों के साथ मैं पीऊंगी वो अलग अलग चीज है, आप अपनी बॉडी को झटका देंगे। आप क्या कह रही है सूप में? मैं इसमें कह रही हूँ कि अगर आप इसमें टबेस्को सॉस और सोया सॉस ना डालें, उसको लेमन, लेमन लीफ, कड़ी पत्ता, जिंजर, गार्लिक और है ना जितनी हमारी ऑर्गेनिक होममेड हर्ब्स हैं उससे फ्लेवर करें। ये बहुत अच्छी डब्बे पैकेट और बॉटल की कोई भी सॉस ना डालें। ये आपने मुझे बहुत अच्छा मशवरा, इससे हाई ब्लड प्रेशर आपका नहीं होगा, अगर है तो ठीक हो जाएगा, हड्डियों में पेन्स है वो भी ठीक होता जाएगा। जिंजर और गार्लिक और हल्का सा मैं अगर इसमें वो डाल दूं, क्या कहते हैं उसे, वो जो येलो येलो होती है, हल्दी, 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 रूट के मेरी हड्डियों में, घुटनों में जब मैं डाइट करती हूँ तो मुझे घुटनों में अब हल्दी, बट आई टेल यू हल्दी कहते हैं कि दूध के साथ, दूध के साथ तो लें, नहीं नहीं वैसे भी आपके साथ लें, वैसे इसके साथ आप कौन सी लेंगे, जिंजर की तरह ही हल्दी आती है, रूट आंबा हल्दी कहते हैं, आंबा हल्दी ड्राई वाली होती है और इसी की तरह गीली वाली होती है, सूप में वो डलती है। अगर उसको चॉप करके डाल देंगी आप उसको चबा भी सकती है, खा भी सकती है और आपकी हड्डियों में बिल्कुल अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये सूप का एक मुझे इन्होंने इस दफ़ा आइडिया ये दिया है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मैं प्रिजर्वेटिव वाले सॉसेस नहीं डालूंगी, लेमन, लेमन लीव जिससे थोड़ी सी खटास और मजे का। मैंने कितने बोल पीती हूँ उसके, यार आप जितना ये पियेंगे आप उतना ही अपना वजन कम करें। अच्छा से वजन नहीं ये बाल और स्किन, स्किन बहुत अच्छी होती है इसमें, क्या वही वेजिटेबल्स का बाल ब्रोथ, इसमें अनियन है ना, अनियन आपके कोलाजन को बूस्ट करेगा, नेचुरली कोलाजन। तो मैं कह रही हूँ मेरे बाल अच्छे हो जाते हैं, मेरी स्किन अच्छी हो जाती है इस डाइट से। अच्छा और सूप भी बहुत मजे का होता है, ठीक है। ये सूप तो आपको 7 दिन की ये डाइट है, ये तो आपको पीना है। अब पहला दिन मैंने क्या किया, इस सूप के साथ में सिर्फ फ्रूट खाऊंगी, सिर्फ फ्रूट जिसमें केले और चीकू इज अ बिग नो, आम भी नहीं होगा, नो आम, नो चीकू, नो केला, ज्यादा स्टार्च वाले नहीं होगा। हाँ बेरीज जैसे फाल से आए हुए, मैं फाल से खाऊंगी, जामुन खाऊंगी, आलूचे खाऊंगी, वाटरमेलन खा लूंगी, ग्रेप फ्रूट ले लिया, एप्पल ले, एप्पल ले लूंगी। मैं पूरे एक दिन फ्रूट खाऊंगी। सेकेंड डे में क्या करूंगी, सेकेंड डे में सिर्फ वेजिटेबल खाऊंगी। अच्छा मैं तो वेजिटेबल जो है वो सिर्फ स्टीम नहीं खाती, मैं हल्का से जैसे टिंडे हैं या लौकी है हल्का सा उसको ना स्टर फ्राई कर लूं, या एयर फ्रायर में कर लूं, एयर फ्रायर कर, मजे का। वो भिंडी है ना, मैं भिंडी बहुत शौक से खाती हूँ, भिंडी खा ली। सो सेकंड डे में सिर्फ सब्जियां खाऊंगी, नो नो फल, नो फल, नथिंग एल्स, नो चिकन, नो मीट, ठीक है, ओनली सब्जियां, ठीक है, और कोई और साथ ये रोटी कार्ब्स कुछ कुछ कुछ, वो तो रोटी तो बिग नो है पूरे डाइट में। सही है, अब मुझे वैरायटी भी मिल गई। अच्छा चलो मैंने सब्जी भी खा ली, मैंने सैलेड भी खा ली, मैंने सैलेड अगर कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैंने सैलेड मंगा के खा ली, बाहर से मंगा सब्जियां का, ठीक है। अच्छा अब थर्ड डे मैं दोनों को मिलाऊंगी, सूप तो चल रहा है मेरा साथ साथ चल रहा है, मैं सब्जी भी और फ्रूट मैं दोनों चीजों को मिलाऊंगी। अब मेरे हो गए 3 दिन, एक दिन फ्रूट, एक दिन सब्जी एंड तीसरे दिन सब्जी एंड फ्रूट बोथ। अच्छा सब्जी में कोई ड्रेसिंग वगैरह, कोई सॉस वगैरह? नहीं इतना सॉस वॉस नहीं डालते, सिर्फ हम चाट मसाला और इस तरह की चीज डाल लेते कि जरा मजे का लगे, भिंडी जरा क्रिस्पी हल्की सी अच्छी लगती है, लेकिन इसमें कोई ऑयल नहीं डलता कोई भी। जब मैं पहले डाइट करती थी ना तो मुझसे ऐसे खाया नहीं जाता था, तो मैं स्प्रे करके ना हल्की सी तो वो डाल लेती थी, लेकिन अब क्योंकि एयर फ्रायर खरीद लिया है सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे जरूरत है, मुझे क्रिस्पी वैसे ही लगेगा। हम बैंगन, टिंडे, भिंडी इसको हल्का सा स्टर फ्राई करके चमचे से खा रहे होते, बहुत मजे का लगता है, खीरे उठा के खा लो, टमाटर खा लो इस तरह। अच्छा अब चौथा दिन आ गया, चौथा दिन मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ दालें खाऊंगी जिसमें से माश की दाल एक्सक्लूड और चने की दाल भी अवॉइड करूंगी क्योंकि वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करती है। सो मैं दालें खाऊंगी, इतना मजा आता है, दाल आप बना लें उसके बाद सूप की तरह खा लें। ये सूप तो आपका चल ही रहा है पर आप दाल जो है ना, फिर दाल के अलावा मैं चने, कभी कभार होता था यार बाहर क्या कहूँ बाहर से खाना है तो मैं चने वाले के पास चली जाती हूँ, चने की चाट खा ली मैंने, आलू और वो दही बड़े के पापड़ी वापड़ी के बगैर उस पर मजे की सारे वो डलवा के और वो मैंने उस दिन खा ली। उस दिन दाल डे है हमारा पूरा। अब कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए। पांचवा दिन बहुत मुश्किल है लेकिन आप थोड़े इम्यून हो जाते हैं। पांचवा दिन इसलिए मुश्किल है क्योंकि मुझे सूप तो पीना है पूरे दिन लेकिन मुझे सुबह दोपहर शाम 2 केले और 1 स्किम मिल्क का ग्लास पीना है। इस दिन बहुत भूख लगती है, इस दिन पूरे दिन, पूरे दिन नाश्ते में 2 केले 1 स्किम मिल्क, दोपहर में 2 केले 1 स्किम मिल्क, रात में 2 केले 1 स्किम। यहाँ आके मेरे सारे पेशेंट गिर जाते हैं। अच्छा इस दिन जो है पांचवे दिन आपने अगर निकाल लिया ना
और आप 2.5 kg वजन कम होता है 7 दिन में, 2.5 kg एक बड़ा अमाउंट है वजन होता है। अच्छा ये हो गया, पांचवा दिन निकला, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर छठे दिन आप एक आलू इस तरह का आप बेक करें, ठीक है, आप स्टीम कर लें अगर आपके पास अवन नहीं है, आप बेक करें और आप मक्खन के साथ ये आलू एक इतना बड़ा वो आप खा सकते हैं। एक टाइम पे सुबह आप ये करें, सूप तो आपका चल ही रहा है, भूखे नहीं हैं आप, और रात को आप चिकन का इतना पीस टिक्का, खुश हो गया होगा। छठे दिन आपको जब चिकन मिलेगी तो वो लगेगा कि आपका ईद का सफर है, बॉडी खुश हो गई होगी। ये हमारी बॉडी को शॉक कर रहे हैं, भूख तो फिर 6 डे भी लगती होगी क्योंकि ये भी इतना नहीं, बट पोटैटो पी रहे हैं ना आप, ना तो फुल रखता होगा। आप सूप पी रहे हैं, फिर आपने नाश्ते में पोटैटो और बटर ले लिया जी, और फिर आपने ये पीते रहे आप सारे वक्त, और रात को जब आप चिकन मिल रही है, मुझे लगता है बॉडी से ज्यादा इट्स अ ब्रेन चैलेंज। चिकन जो आप खाएंगे तो उसके साथ आपने 8 टमाटर या 8 ना खाए नहीं खाए जा रहे, हल्का सा नमक डाल के नहीं टमाटर खाते हैं जब, जी चाट मसाले के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, हाँ, या काले नमक के साथ या कुछ, वो आपने चिकन के साथ टमाटोज खाने, आई डोंट नो क्या इसकी साइंस है, नहीं इसकी इसकी साइंस ये है कि चिकन को कोई ना कोई फाइबर तो चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए, ये साइंस है इसकी, वरना फाइबर इतना फाइबर हम यहाँ खा रहे हैं सूप में, कुछ तो चाहिए ना। हाँ देखिए बाथरूम बहुत जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती इस डाइट पर, मेन चीज ये भी है, ये और सूप आपको हेल्प कर रहा है थ्रू आउट 7 डेज। अच्छा इस डाइट की, अच्छा इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, फिर मैं आखिरी दिन बता दूं, आखिरी दिन रह गया था, आखिरी दिन ब्रान राइस मैं अपनी हथेली के बराबर इतना इतना जो है बॉईल करके, कच्चे तो नहीं खा सकती मैं, लेकिन ये बॉईल करके, ये जो चावल के जिनको क्रेविंग्स होती है उनके लिए ये आखिरी दिन ये रखा हुआ है, ये आप खा सकते आप कुछ भी ऐड इन कर सकते हैं, आप मिक्स कर सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, उस दिन आप फ्रूट ना लें क्योंकि ये होता है कि कार्ब्स के साथ दूसरे कार्ब्स ना मिलें जो बाकी दिन खाया उन सबको कुछ मिक्स करके खाएं। सो ये मेरी डाइट है जो मैं अब कल से इंशाल्लाह, आज मेरी खाना पकाने वाली ने छुट्टी की तो वो नहीं आई है, उनको ही बोलूंगी मैं ये करने को, कल से मैं ये डाइट शुरू कर रही हूँ, आज से मैंने आपको बता दिया, आप भी मेरे साथ शुरू करें। 2.5 kg कम नहीं हुआ ना तो मेरा नाम बदल देना, सोच लो क्या रखोगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए दूसरे सेलिब्रिटी आपसे अपनी डाइट शेयर करेंगे। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। टाइम नहीं ला, पानी पी रही थी, लिपस्टिक लगाने का। ओवर टू कौन बता रहा अपनी डाइट, किरण भाई मेरे से ना स्टार्ट करो, मेरी डाइट तो बहुत डिफरेंट, किरण की डाइट डाइट नहीं लग रही, एक चीट मील लग रहा है किसी की टेबल पे का पूरा। अगर मैं किरण वाली डाइट स्टार्ट कर दूं तो मैं तो ऐसा वेट पुट ऑन करूं के बाद। हेरा तुम्हारे पास आती है, स्टार्ट करते हैं। हेरा की दोबारा हिस्ट्री बता दूं, कितना अर्सा हुआ तुम्हारे बेबी पैदा हुए हेरा? ही इज 1 नाउ, माशाल्लाह मार्च में ही इज 1। अच्छा अब तुम पहले वहां से शुरू करो कि तुमने कितना वेट लूज किया है उस वक्त से लेकर जब से वो पैदा हुआ। अच्छा, है हर किसी की बॉडी अलग होती है, कुछ गेन इजीली करते हैं जैसे मैं बहुत इजीली, क्योंकि जेनेटिक है सब लोग मोटे मोटे हैं तो मैं इजी गेन करती हूँ बहुत। लेकिन तुम इतना कॉन्फिडेंट कैसे होती हो कि मैं रिड्यूस कर लूंगी? क्योंकि मुझे अपनी बॉडी का पता है, मुझे अपना मेटाबॉलिज्म मुझे पता है, जब मैं वर्कआउट करती हूँ मुझे पता है कि मुझे कितनी वेट ट्रेनिंग करनी है, कितनी कार्डियो करनी है। ये नहीं कि मैं हर वक्त कार्डियो कर रही हूँ हड्डियाँ बैठ जाएंगी। और तुम हमेशा से ऐसी थी? मैं हमेशा से, तुम्हें हमेशा से पता था अपनी बॉडी के बारे में? अच्छा मेरे साथ ये बचपन से, मतलब बचपन से तो नहीं कहूँगी, व्हेन आई स्टार्टेड टू नो माय सेल्फ, जब आप टीन में होते हो तो मुझे, मैं डिटरमिन हूँ। अच्छा एक यहाँ में सवाल है ना आपसे, बहुत तो सारी खवातीन को नहीं पता होता अपनी बॉडी, कैसे पता लगाए? देखिए ये डिफरेंट ट्राई करनी पड़ती। अब जो आपने भी 7 डेज डाइट बताई, आपका तो 2 से 3 kg लूज हो जाएगा, हो सकता है किसी और का ना हो, या हो सकता है वो वहाँ कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स कर रही हूँ। तो हर कोई इतना डिटरमिंड नहीं होता, हर किसी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंटली एक्ट कर रहा होता है। मेरा सवाल ये है, ये आपको ये कैसे पता? जैसे हीरा कॉन्फिडेंट इसलिए थी जब मैंने, जब हीरा का वेट पुट ऑन हुआ था इसने कहा था मैं कर लूंगी, वरना बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि वो एकदम सप्रेस डिप्रेस अजीब सी मोटिवेशन नहीं होती, अपनी बॉडी को खुद ही देखा होगा कुछ सालों तक कि व्हिच डाइट वर्क्स ऑन हर। एग्जैक्टली, देखिए हीरा एक सेलिब्रिटी थी तो हीरा को तो ये पता था बहुत सारी चीजें ट्राई करके, और फिर हीरा डिटरमिंड बहुत, और हीरा को टीवी पे आना था, एक मोटिवेशन थी, मोटिवेशन थी कि भाई मैंने तो अपना काम, पता है क्या, टीवी पे आने की वजह से ये मुझे लगता है कि बर्डन
प्रेशर होता है, प्रेशर होता है, हर कोई आपको देखता है। मैं सेट पे भी जाऊंगी ना तो कोई अगर हमारा क्रू भी होगा वो भी कहेगा मैम आपको एक नजरों में होता है कि यार मैम के बाद आगे क्या मतलब ज्यादा कंट्रोल कीजिए मैं औरत से ज्यादा हमें अगर हम मॉल जा रहे हैं और कोई फैन मिल रहा है आप वो चुपके चुपके वाली हो अच्छा बड़ी मोटी हेल्दी हो गई है एक तो हेल्दी हो गई है मतलब हेल्दी इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग हाउ शुड आई टेक इट नहीं इट्स अ बैड थिंग ऐसे ही होता है इनफैक्ट देखिए आप तो टीवी पर आते सेलिब्रिटी हैं आई एम अ डॉक्टर ना तो मुझे भी लोग इसी नजर से देखते हैं आपको कौन मोटा कहता होगा कुछ नहीं वो अंधा होगा आई कांट इमेजिन नहीं तो सामने जब मैं अपने बेबी के वक्त जब मैंने वेट गेन किया तो तस्वीरें दिखाई मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा वैसे जो ये ना हेल्दी हो गई ये जो टर्म है आई थिंक इट्स अ पोलाइट वे ऑफ टेलिंग यू आप यू पुट ऑन वेट लुकिंग फैट देखो ये हेल्दी वो पोलाइटनेस हम और सरमीन हम औरतें हैं ना हमारे साथ फिर भी हल्का हाथ रखा जाता है मेरे मियां के तो एक बंदे ने पेट पे हाथ रखा यूं यूं घुमाया खैरियत है और यासिर उसको देख रहे मेरा आपसे ऐसा मजा हम लोग नादानियां करते थे जो कॉमेडी करता है ना उसको उनको लगता है कि हमारी जागीर है यासर ने कहा हम मैं कॉमेडी नहीं करूंगा नादानियां बंद करो एक आदमी मेरा सड़क पे यूं 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 पेट पे हाथ घुमा रहा स्ट्रेंजर हां यासर भाई उसके हाथ फेर रहा है पेट पे खैरियत शक्ल देखी यासिर भाई अब बहुत जल्दी हम आपके आपको शक्ल देखते ही नहीं पहचानेंगे कहेंगे क्या ट्रांसफॉर्मेशन है अरे यार रहने वो तो यो-यो दानिश सर और यासिर सर दोनों के साथ ही मुश्किल है कि लोग पता नहीं यासिर सर को और दानिश सर दोनों को लोग समझते हैं हमारे फैमिली मेंबर ही वही तो ना कुनादानियां करके तो वो हम लोग बच जाते कि कम से कम कोई औरत आके हमें ये तो नहीं करती तो ये होता भी नहीं है ना टच नहीं करते लेकिन कमेंट्स तो फिर भी बहुत होते हैं अच्छा मेरा तुम्हारी डाइट पर आ रहे हैं हम इससे पहले हमारा प्रोग्राम खत्म हो हमारे दुखड़े अच्छा मेरी दो डाइट्स है लेकिन आज जो मैं बताऊंगी इस पे फोकस करते हैं कुछ जरा मैं कभी कभी कुछ ज्यादा भी लेती हूँ फ्रूट्स भी ले लेती हूँ जब लेकिन मुझे इंस्टेंटली कम करना है तो फिर जब मैं जिम भी कर रही होती हूँ तो मैं प्रोटीन ज्यादा लेती हूँ साथ में कार्ब्स भी लेती हूँ और साथ में जारी बातें और अच्छा अभी अभी जो है तुम्हें इंस्टेंट कम करना है देखो खानदान में शादियां भी हैं कोई नया प्रोजेक्ट भी कर रही हो सो उसके लिए जो इंस्टेंट डाइट तुम कर रही हो वो इसको कुछ कहते हैं इसका नाम है कोई मैं उठती हूं इसका कोई मतलब आई वुड से कि इट्स मोर लाइक इट गोस टुवर्ड्स कीटो एग्जैक्टली नाम मैं भूल गई हूं आई थिंक मैंने लिखवाया था दे विल टेल यू जरा देखकर बताओ क्या लिखवाया था ठीक है अच्छा हाई प्रोटीन हां इट्स लाइक लो फैट एंड हाई और ये तुम्हें सूट करती है सूट मुझे हमेशा हाई प्रोटीन सूट करता है अच्छा लेकिन मैं उसको फ्लश करती हूं अगेन प्रोटीन को फ्लश करने के तरीके होते हैं एंड यू शुड ऑलवेज गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन इफ यू आर पुटिंग इट ठीक है अच्छा सबसे पहले एप्पल साइडर विनेगर या फिर लेमन मैं लेती हूं सुबह में निहार पानी के साथ कितना एप्पल साइडर विनेगर सेब का सिरका ऑर्गेनिक वाला लीजिएगा कोई भी सेब का सिरका ना उठा के आप अच्छा पानी में तुम कितना डालती हो कितने चम्मच एक स्पून एक ग्लास में और दूसरा लेमन नहीं साथ नहीं अच्छा कभी ऑल्टरनेटिव करना है आपने कभी आपने लेमन और हनी डाल लिया पानी में या फिर कभी आपने एप्पल साइडर विनेगर डाल लिया साथ दोनों लेमन और हनी का रेशियो बताओ हनी वुड बी ए आधा चम्मच हाँ आप मन्यू का हनी यूज कर सकते हैं बिकॉज इट्स रियली गुड फॉर यू इट्स वेरी गुड और उसमें आपने ड्रॉप्स कुछ ड्रॉप्स डालने पांच ड्रॉप डाले लेमन के बहुत हैं क्योंकि वो बहुत ड्राई करता है फिर अगर आप बहुत लेमन यूज कर लेंगे या बहुत एप्पल साइडर विनेगर आप यूज कर लेंगे बहुत ड्राई कर देगा वो यू डोंट वांट दैट एज वेल फिर आपके मेरा स्किन टाइप बहुत ड्राई है तो वो मेरी स्किन को ड्राई कर देता है अगर मैं एक्सेसिवली ठीक है ऑल्टरनेटिव ट्राई करना है सिर्फ अल्कलाइन करना है क्योंकि रात में हमने कुछ खाया है तो वो रिंस आउट हो जाता है ठीक है काइंड ऑफ ठीक है ये सुबह तुम्हारी हो गई अब तुम क्या करोगी नाश्ता क्या करोगी अच्छा जब मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे शूट पे जाना है तो फिर मैं सिर्फ ओट्स और दूध देती हूँ स्किम मिल्क के साथ ओट्स यहाँ रखा हुआ है अभी रखा हुआ नहीं है लेकिन मैं लेती हूँ मैं आपको बता रही हूँ ओट्स और स्किम मिल्क दूध एक प्याला मुझे दूध लेना किसी भी हाल में जरूरी है आई हैव अ बेबी नर्सिंग करना फिर आपकी हड्डियों के लिए मैं जिम भी कर रही हूँ मेरी हड्डियाँ बिल्कुल बैठी तो दूध वैसे तो इंस्ट्रक्टर्स दूध मना करते हैं लेकिन मैं दूध लेना जरूरी अच्छा तुम मुझे बताओ और आपको दूध नहीं लेती तो मैं हड्डियों में दर्द होता
नहीं तुम अगर दूध नहीं लेती हो ये भी हर बॉडी के लिए अलग होता होगा ना, क्योंकि दूध मैं पर्टिकुलरली कहती हूँ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट दूध इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि दूध अक्सर लोगों को हड्डियों में दर्द बढ़ा रहा होता है, लेकिन मुझे सूट करता है, मुझे सूट करता है, मुझे दूध सूट करता है। और दूसरी बात ये कि मैंने एपिड्यूरल नहीं लिया था, लेकिन मेरी बैक हमेशा मुझे लगता है इट्स काइंड ऑफ वीक आफ्टर हैविंग अ किड, इट्स वीक। क्योंकि मैं एक बात इसमें ऐड ऑन करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ दूध ही आपकी नरिशमेंट को पूरा कर दे, आपको अपने वाइटामिन डी और B12 को लेवल्स को पूरा एग्जैक्टली B12 तो बहुत जरूरी है। अच्छा वाइटामिन डी लेती हूँ और एक प्रॉपर पूरा मल्टीवाइटामिन का, ठीक है, जो मिक्स होता है। अच्छा, नाश्ते में तुमने कहा कि ओट खा के तुम स्किम मिल्क के साथ, लेकिन ये जब जल्दी में, लेकिन अगर इफ आई हैव टाइम मैं घर पे हूँ तो फिर मैं ऑमलेट बनाती हूँ प्रॉपर सही से। अच्छा, ऑमलेट में क्या डालती हूँ? मशरूम डालती हूँ ऑमलेट में, थोड़ा सा अनियन डालती हूँ, टमाटो। अच्छा, अच्छा सा मैं ऑमलेट बना के वो, ठीक है, ठीक है। और तेल कितना डालती हूँ? तेल नहीं, घी में। आप बिल्कुल बंद कर दें, या सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करें या देसी घी घर का। मैं कभी अगर सैलेड बना रही हूँ और मुझे सैलेड बहुत ड्राई लग रहा है क्योंकि मैं सीजनिंग नहीं डालती बहुत सारी, अच्छा, और वो मैं सॉसेस भी नहीं डालती, तो मैं सैलेड में अब मुझे बहुत ड्राई लग रहा है तो मैं ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाल लिया, स्प्रे कर लिया, वो आपका चल जाता है, लेकिन मैं घी ही यूज करती हूँ। अच्छा, अच्छा, आप तुमने ऑमलेट खा लिया, अगर तुम्हारे पास टाइम है इसमें मशरूम वगैरह सब डाल के, नाश्ते में चीज भी तो नहीं डालती ना? चीज नहीं, लेकिन जब मैं जिम जाती हूँ तो मैं एक पीनट बटर का चम्मच लेती हूँ। एनर्जाइज्ड हो जाती हूँ कि जिम कर सको, है ना? अच्छा, इस बीच तुम कोई कॉफी वॉफी पीती हो, ब्लैक कॉफी या कोई ऐसी चीज? देखिए, वो अगेन वो वाली बात होती है कि आप दिन में क्या क्या ले रहे हो, आपकी एक्टिविटीज क्या क्या हैं। ब्लैक कॉफी अगेन आपको थोड़ा सा ड्राई करती है, आई थिंक। अच्छा, वो भी डिपेंड करता है, डिपेंड करता है क्या ले रहे हैं आपने, किस टाइम पे ले रहे हैं, हर चीज की टाइमिंग बहुत जरूरी है। अंडे तक हम पहुँच गए, अंडे तक हम पहुँच गए, हमने ऑल्टरनेटिव नाश्ता बता दिया कि जल्दी में है तो ओट्स खा ले, बना ओट्स पानी में बना लें। अच्छा, दूध सूट नहीं कर रहा आपको, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है तो वो आप वैसे लैक्टोज फ्री भी दूध होते हैं, लेकिन आप पानी में बना लें। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ो। मैं एक स्कूप उसमें, अगर जैसे मुझे जिम जाना है और मैं जल्दी में हूँ, मैंने जिम जाना है फिर मैंने जिम से शूट पे निकलना है, तो सुबह में आपने पानी में ओट्स बनाए और उसमें आपने एक स्कूप प्रोटीन डाल दिया और आपने वो खा लिया, प्रोटीन जो प्रोटीन पाउडर जिसके शेक्स भी बनते हैं और वो। अच्छा, ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं लंच पे। लंच पे मैं वेजीज लेती हूँ। वेजीज में क्या क्या हो गए? जैसे जैसे आप कुछ भी वेजी ले सकते हैं, बट ग्रीन होना चाहिए, बस ग्रीन होना चाहिए, सही है, और जो आप खा सके, जो आपको चबाने में, मतलब कुछ लोगों को कुछ चीजें सूट नहीं करती, मैं अनियन भी खा लेती हूँ, मैं पालक भी खा लेती हूँ कच्ची। अरे बापरे, और मैं स्मूदी में भी पालक डाल के आई कैन हैव इट। हाँ, मुझे सही है, कुछ लोगों को डाइजेस्ट हो जाती है, कुछ को बहुत। आपने बताई थी ना यहाँ से डाइट, वो इन्होंने बड़ी मतलब लाइक आप सब्जी ऐसे नहीं खाएं, आप उसके जूसेस निकाल के पी लें, बड़ा आसानी से। मैं नहीं खा सकती हूँ इस तरह ना। अच्छा, मैं तो चुकंदर ये वो सारी चीजें, उसके जूसेस कितने मजे मजे के इन्होंने बताए, और वो अक्सर आपको वहाँ से ग्रीनों से भी मिल जाते हैं, मजे के बहुत अच्छे। अच्छा, फिर हमने उसको चिकन के साथ, या तो आप बॉईल करके, जैसे आपने सूप बताया था, सूप इज बेस्ट। अच्छा, बीच के लिए, लंच टाइम के लिए सूप बेस्ट है वेजीज के साथ, ठीक है, वरना आप इसको स्टर फ्राई करके या फिर वही चिकन को एयर फ्राई करके आप उसके साथ ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन वेजीज शुड बी बॉइल्ड और आप उसको हल्का सा सॉटे कर लें। अच्छा, अगेन थोड़ा सा असली ये बहुत हल्का सा, सिर्फ स्प्रे करके नॉन स्टिक पे। अच्छा, मैं आप, मैं कभी कभी सीजनिंग, जैसे मुझे बिल्कुल फीका नहीं, मुझे जरा काली मिर्च डाल देती हूँ मैं, या फिर नमक। कितनी दफा मीट प्रोटीन कितनी दफा लेती हो दिन में? जैसे जब प्रोटीन मैं दो टाइम जरूर लेती हूँ, दो टाइम। और तुम प्रेफर करती हो? बल्कि तीन टाइम हो गया ना, सुबह अंडे, अंडा हो गया, लेकिन अल्टरनेटिव कभी अंडा नहीं लिया है तो फिर मैं दो टाइम। प्रोटीन में क्या क्या लेती हो? जैसे कभी चिकन खाती हो? चिकन, कभी फिश खाती हो? फिश और चिकन, बस। हाँ, क्योंकि अभी मैं इंस्टेंट प्रोटीन में गोश्त नहीं अलाउ होता, नहीं होता, मटन इज बिल्कुल लीन, मटन कीमा इज गुड फॉर डाइजेशन, चिकन पूछ रही हूँ वैरायटी, बट आप क्या कह सकते हैं, सब मीट, सब बात है कि अच्छा न्यूट्रिशन फिश में होता है।
थोड़ा सा अगर आप स्टेक भी बना रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो तो मीट थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। अगर कोई है आपके घर में वो आपको बना के दे सकता है। ग्राम्स की काउंटिंग है कि कितना मीट ले सकती हो? होती है ग्राम्स काउंटिंग लेकिन आई एम रियली बैड एट इट, तो मेरे पास लिखा होता है मुझे खुद से दिमाग में नहीं आता। अच्छा अच्छा, वो मैं लिख लेती हूं। इसका बड़ा आसान सा तरीका है, जितना आपका हथेली है आप उस हिसाब से उतना फिले ले लें। अच्छा सुनिए, फिले तो मोटा भी हो सकता है। अब मैं बता रही हूँ ये इस साइज का है, तो मेरी तो इतनी पतली है तो मैं बिल्कुल ऐसा फिले खाऊंगी। इसका क्या वेट होगा? देखिए क्या वेट होगा, इसका वेट 200 ग्राम इतना ही होता है। अल्लाह ताला ने ना हम सबके डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे अंदर जो हमारे स्टमक बैक को भी इतना ही सबका जैसे रोटी है, रोटी ऐसी इतनी हथेलियों के हिसाब से। आईरनी है कि जब आप वेट लूज करते जाते हैं ना तो आपको कैलोरीज कम करनी पड़ती है। मतलब एजाज असलम तो अगर रोटी का करता है उसका हाथ बहुत बड़े हैं, नादिया हुसैन के भी हाथ बड़े हैं तो मेरी भी रोटी मिल जाए। लेकिन पतली भी बड़ी है, लेकिन पतली हाइट भी बड़ी है तो आपके कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है ना। कैलोरी छोटे आते हैं उस वो डाइट करते हैं उसको इतनी सी रोटी मिले बिल्कुल इतनी पूरी जैसी ना सब वो। अच्छा अब मैं यही बताई थी कि मजे की बात है आप जितने पतले होते जाते हैं आपको पोर्शन कम करने पड़ते हैं, कैलोरी कम करनी पड़ती है। मोटे इंसान को तो अगर मैं ये कहूंगी कि अगर एक एक मेरे पास आती है कोई भी लेडी या कोई भी जेंट्स वो अगर 100 kg से प्लस है तो उसको आराम से मैं 2000 calorie, 1800 से 2000 calorie का डाइट प्लान बना के दे दूंगी। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल आप आती हैं शर्मीन और आप कहती हैं मुझे 5 kg कम करना है, 3 kg कम करना है, मैं आपको 900 calories का डाइट प्लान बना के दूंगी। ज्यादा क्योंकि लोग ऐसे ना लोग कहते हैं कि अच्छा अब तो पत्ती हो गई हो अब तो खाओ, कहती हूँ अब तो नहीं खा सकते और ही नहीं खा सकते। गुशरान सारी सही कहती है, जब ज्यादा पैसे कमाते हो तो तुम लोग तो घास फूस खाने लगते हो, क्या अच्छा बुशरा आपके साथ फायदे ही, बुशरा आप हमेशा पतली हैं, मतलब मैं हाँ वो शुरू से बहुत पतली, उनका बॉडी टाइप ऐसा है, उनका बॉडी टाइप ऐसा है, उनका मेटाबॉलिज्म कभी वैसा इतना ज्यादा स्लो हुआ ही नहीं करते ना, खाते सब है ना, ये कुछ लोग हैं एक्चुअली, कुछ लोग कोई और नहीं, वो केलन जैसे। अच्छा अब तुम्हारा फाइनल क्या हुआ? बिल्कुल ये सब हो गया, लंच तक पहुंच गए, आपने बीच में अगर आपको बहुत भूख लगे तो भी आपने कुछ नहीं खाना। आप देखिए ये कह रही है कुछ भी नहीं खाना, ये जो क्रेविंग्स है ना आपको मार देती है, क्या अपने दिल को बहलाने के लिए गालिब क्या कहते हैं, दैट्स द टाइम जब आपका वजन कम हो रहा होता है, जब आपको अंदर से भूख लग रही होती है, बिल्कुल दैट्स द टाइम, ये टाइम होता है कि जब आपकी आपके मसल्स लिटरली डिहाइड्रेटेड हो रहे होते हैं, आपका ब्रेन बार बार सिग्नल दे रहा होता है और आपको आपकी जो बॉडी के अंदर आपके एंजाइम्स होते हैं ना वो आपके फैट को ही बर्न कर रहे होते हैं। खाएं बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करना, चने खा लें, चने भी ना खाएं, आप लिक्विड पिएं, वो टाइम होता है कि आपको हाइड्रेट करना है। मैं मजे की बात बताती हूं, खाना कुछ लीटर पानी पीती हूँ मैं दिन में, जस्ट टू फिल माय स्टमक। सूप पिए, तुक मलंगे का पानी पिए, डिटॉक्स वाटर पिए, इस तरह के पानी पिए जो कि हल्के से फ्लेवर हो जिसमें कोई एज सच कैलोरी ना हो, आप वो पिए और बॉडी को हाइड्रेट करें और ब्रेन को मिमिक करें। मैं एक बात बताऊं, जो ये बात हो रही थी कि बर्दाश्त उस वक्त करना चाहिए क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी कट डाउन कर रही होती है फैट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत से लोग ऑफ द ट्रैक होते ही ऐसे टाइम होते हैं जब उनकी क्रेविंग्स इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि वो फिर दे एंड अप चीटिंग। एग्जैक्टली, इसलिए आपको ऐसे वक्त के लिए कुछ ऐसा हेल्दी स्नैक रखना जरूरी है जो कि आपकी ये क्रेविंग में मलंगा का पानी, तुख मलंगा का पानी और मलंगा का पानी ऐसी चीजें हैं कि आपको फिल कर देंगी फॉरन, 1 hour के लिए आपका माइंड बिल्कुल अपनी ट्रैक पर दोबारा आ जाएगा, आपको इतना ओवर वो कर देती है फिल कि आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि समोसा चख लूं या वो फलाना खा। हाँ खाली पानी में तुक मलंगा क्या, देखिए हमारी जो फील्ड है, हमारी फील्ड है वो मोटिवेशन वैसे ही है। अगर अगर हम नॉर्मली लोगों की बात करें तो बेचारे चलो कर लेते हैं, उनको होता है कि क्या करना है, मॉडल थोड़ी करना है। आपकी फील्ड में तो समोसा उठाते हुए समोसे को स्क्रीन पे देखें और दोबारा छोड़ दें कि नहीं ये पेस समोसा। ये तुम्हारी डाइट है? ये डाइट है। अच्छा ये तुम कंटिन्यूस तुम लाइफस्टाइल यही रखती हो या जब तुम्हें वजन कम करना है तो आती हो, वरना जिंदगी में मतलब तुम खाली बिरयानी की तस्वीर ही देखती हो? हाँ
मतलब आई थिंक दो महीने हो गए मैं बिरयानी शायद ईद पे खाई है थोड़ी सी यार तेरा तुम्हारे खाने में प्रॉपर चेहरा इतना छोटा सा लग रहा है नहीं यार मैंने कल से डाइट शुरू करी हूं मुझे मोटिवेट करो कि तुम मोटी हो गई तुम्हारे गाल हीरा का कह रही हूं हीरा का स्क्रीन हीरा का अच्छा मैं निदा सब है पतीरा थैंक यू यार वरना मैं कहती मैं कल से डाइट नहीं कर रही एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हीरा की और निदा की डाइट आपने देख ली सुन ली ये हम करने वाले हैं वो कर रही है मैं कल से शुरू कर रही हूँ और आपको बता के शुरू कर रही हूँ so, आप कौन सिरा तुम्हारी तरफ आएंगे हाँ सिरा मैं नहीं चाहती तुम खामोश हो हम ब्रेक पे जा रहे हैं ब्रेक के बाद तुम खामोश नहीं रहोगी गुड मॉर्निंग वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज सब अपने अंदर की बातें बाहर कर रहे कैसे स्मार्ट जवान खूबसूरत नजर आते खुद ही अपनी तारीफ की जा रहे हैं ना उसके राज फाश कर रहे हैं तो अब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ सिरा शादी के बाद हमेशा ऐसा नहीं है वही जुमला रिपीट करूंगी कि सारी कश्तियां जला दूं बस अब तो शादी होगी अब तो शादी होगी अब सब खा सकते नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि जो मेरी डाइट है वो मेरा लाइफस्टाइल है और वो जिंदगी भर चलता है तो अगर मैंने जरा सी भी चीटिंग की हो तो अगर मुझे इसी डाइट पर रह के अपने आप को जल्दी वजन गिराना हो तो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेती हूँ इसी डाइट के साथ वेरी गुड अप्रोच यस तो मैंने लास्ट में अगर 7 बजे खाया होगा फिर मैं दोपहर में खाऊंगी लेकिन उससे पहले सुबह अगर मुझे भूख लग रही हो तो ब्लैक कॉफी या वाटर या एनीथिंग दैट इज जीरो कैलोरीज वो मैं लेती रहूंगी ओके तो ब्रेकफास्ट के लिए 3 उबले हुए अंडे जिसमें से 1 whole एंड 2 egg whites कैलोरीज जल्दी माइनस एंड 2 अंडों की सफेदी और 1 पूरा उबला हुआ ताकि विटामिन डी भी पूरा मिल जाए प्रोटीन भी आपको प्रॉपर मिल जाए ठीक है लेकिन मैं वर्कआउट भी करती हूँ तो उसके बाद फिर प्रोटीन शेक लेना जरूरी होता है वो शेक दूध में नहीं होता वो पानी में होता है डाइल्यूटेड सो वो आई थिंक 100 कैलोरीज अच्छा वर्कआउट के बाद शेक लेते हैं जी ताकि आपके मसल्स टेयर एंड वेयर हो जाए जितना भी आपने टूट फूट हुई है आपकी बॉडी वो रिकवर हो जाए वो अंदर से वर्क हो जाए वो रिकवर हो जाए तो ब्रेकफास्ट में ये मैं लेती हूँ अगर ये ना हो तो ग्रीक योगर्ट होगा लेकिन वो थोड़ा सा होगा उसमें ग्रेनोला जो होगा वो बिल्कुल छिड़कते हैं ना जैसे उतना होगा या साथ में कुछ थोड़े फ्रूट्स होंगे उससे ज्यादा नहीं बिकॉज मैं कोई भी अगर कार्ब ज्यादा लेती हूँ ना मैं ऐसे लेती हूँ अगर मैंने सैलेड में चावल भी डाले हो ना आई स्प्रिंकल लाइक अ ड्रेसिंग अगर मुझे चाहिए हो तो अगर मुझे थोड़े चावल चाहिए हो तो मैं किसी भी चीज को ओवरडू नहीं करती जवान जहाँ लड़कियों तुम्हें चॉकलेट्स की कोल्ड ड्रिंक्स की चिप्स की कोई क्रेविंग्स नहीं होती है यार क्योंकि मेरा हमारी उम्र में तो लड़की तो खेलने कूदने की उम्र है मेरे खाने में जो आपको एक मजे की बात बताऊं व्हेन यू रिंस एवरीथिंग आउट ना आपको क्रेविंग्स भी कम होती है जब शुगर निकाल दो ना जिसम से होती ही नहीं मुझे लगता है कि मुझे ना ऑयल सूट नहीं करता तो अगर मैं हल्का सा भी लूँ ना माई बॉडी रिएक्ट इंस्टेंट यानी अब तुम्हें भी पता है कि तुम्हें क्या सूट करता है क्या नहीं करता बिल्कुल सूट नहीं करता मैं पकोड़े बिल्कुल नहीं खाती मुझे ऐसा लगता है मैं जरा सा भी खाऊंगी मुझे लगता है मेरा सीना जो है ना वो भरा हुआ है एसिडिटी शुरू हो जाती है वो ऑयल की वजह से तो ऑयल तो मैंने छोड़ ही दिया है आई डोंट लाइक एनीथिंग ऑयली मैं बॉइल्ड और इन चीज़ों पर ज़्यादा खाने का प्रेफर करती हूँ तो ब्रेकफास्ट ये हो गया फिर उसके बाद अगर मैंने कोई स्नैक लेना हो तो मैं एक सेब ले लूँगी या थोड़ा वाटरमेलन ले लूँगी लेकिन मेरी क्वांटिटी हमेशा थोड़ी होगी जो मेरे बोल्स हैं ना वो इतने बड़े नहीं है घर में इतने इतने से बोल्स हैं तो वो उसमें फिल कर बड़े बोल्स तोड़ ही दिए और आपको पता है हम आइसक्रीम भी खाते हैं ना तो हम आइसक्रीम खाती हूँ कितने से उसमें लिटरली दिस मच दो बाइट लिटरली 2 bites तो वो बाकी जाया हो जाती है या मियां खा जाते हो महीना चलती है भाई अच्छा कितने चार तब मंगाया हमने तुम लोग शादी के बाद घूमने फिरने डिनर खाने जाते हैं लोग कभी वहाँ निकल गए चलो ये वाला कीमा खाने चलते कटाकट खाते हैं मुझे नहीं शौक मुझे तुम्हारा मिया दिल बेचारा वो अपना दिल मैं घर में बना के दे देती हूँ ना खाने कटाकट भी उसे उसे घर के खाने ज्यादा पसंद है बाहर की नहीं इसलिए अच्छा अच्छा कभी वो मक्खन फ्राई खाना है नान के साथ गरम कढ़ाई खानी है बस का बन खाने का दिल चाह रहा है कभी ये तो मैं मुंतजर हूँ मेरा आज आखिर में आएंगे ना जब हम दुखियारे जो है अपनी ये अगर मैंने कार्ब्स भी खाने हो ना जैसे मुझे ब्रेड का ऐसा नहीं है मुझे ब्रेड का शौक नहीं आई लव ब्रेड बट अगर मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है ना तो मैं ब्रेड का कॉर्नर सिर्फ ब्रेड का कॉर्नर वो खा जाती हूँ जो हम छोड़ देते हैं सेम वो ब्रेड का मैं नहीं छोड़ती मुझे भी कॉर्नर्स बहुत पसंद है और मैं पूरा खाती हूं वो टोस्ट करके खाने में जो मजा आता है ना आपकी सोच आपने वो कॉर्नर ले लिया आप उसे ग्रीक योगर्ट के साथ भी खा सकते हैं तो आपका प्रोटीन भी हो जाएगा आपका कार्ब्स भी थोड़ा साथ साथ अच्छा तुम्हारी अय्याशी क्या है खाने की
मेरी अयाशी यही है क्योंकि मैं इन्हीं में खुश रहती हूँ. हाँ. अयाशी ये ना कि आइसक्रीम खाई तो आपने थोड़ी खा ली. चॉकलेट खाती हो? मुझे सिर्फ डार्क चॉकलेट पसंद. सिर्फ डार्क चॉकलेट मतलब अपने मतलब की सब चीजें पसंद है. अच्छा अब तुम्हारी डाइट क्या होती है? चलो तो ये हमने ब्रेकफास्ट कर लिया. अब लंच में अगर मैंने सालन बनाना होता है ना तो मैंने पहले भी बताया था कि मैं अगर प्याज काटती हूँ तो मैं इसे एयर फ्राई कर लेती हूँ. तो एयर फ्राई कर लेती हूँ फिर ऑलिव ऑयल में आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में आपने चिकन जो है वो सौते की फिर आपने प्याज डाला और आपने अपने हिसाब से ना मसाले वगैरह डाल के आपने सालन बना लिया. या तो मैं उसे वैसे ही खा लेती हूँ या अगर मुझे ब्रेड चाहिए होता तो मैं एक ब्रेड का कॉर्नर लेके आई ईट दैट. दैट्स माई बेसिकली लंच क्योंकि उसमें सब्जियाँ भी होती हैं. अगर वो ना हो तो मैं एक चिकन को उबाल लेती हूँ फिले को उसमें सब्जियाँ काट के उसका सैलड बना के नींबू छिड़क के वो खा लेती हूँ. दूसरा ऑप्शन होता है सैलड का इफ़ आई हैव टाइम. फिर स्नैक में ये होता है कि मैं कोई ना कोई फ्रूट जो भी उस वक्त चल रहा हूँ आजकल मैं चेरीज बहुत खा रही हूँ बिकॉज़ देयर लो कैलोरीज एंड डीटॉक्स के लिए बहुत अच्छी होती है. स्किन बहुत अच्छी हो रही है मुझे तभी लग रहा है बहुत बहुत खा रही हूँ. फिर उसके बाद जो डिनर होता है डिनर सबसे लाइट होना चाहिए तो मैं एक टिक्का ले लेती हूँ और मैं वो खा लेती हूँ एंड देन माई फास्टिंग स्टार्ट्स अगेन. आप वैसे तो 2-3 होता है लेकिन अगर आप वर्कआउट भी साथ करने लोगो तो उससे शायद थोड़ा ज्यादा आपका वजन. अच्छा मुझे एक बात बताओ ये रेगुलरली भी करती हो तुम या जब तुम्हें लगता है कि 1-2 kg आप हो गया? दिस इज माई लाइफ स्टाइल लेकिन अगर मुझे जल्दी करना हो तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूं. अच्छा चलो जैसे हम तो ये डाइट के तौर पर करते हैं ना और हमारा रेगुलर लाइफ स्टाइल कुछ और ही है तुम्हें अगर इस चीज़ को तोड़ना है तो तुम क्या कभी वेकेशन पे जाती हो तो अगर मैंने कुछ भी अब मैं अपना पोर्शन साइज कम कर लेती हूँ ना. अगर मैंने बिरयानी भी खानी है तो मैं एक आलू लूँगी और एक बोटी लूँगी और चावल मैंने बताया ना छिड़क के. दिस इज द अप्रोच इसी को कहते हैं लाइफ स्टाइल कि अगर आपने एक जीना भी कोई जीना है कोरमा भी लूंगी तो सालन एक टीस्पून के हिसाब से होगा बोटी ज्यादा. मैं तो मतलब मर ही जाऊं बट कम खाओ सब खा ले और एक लाइफ स्टाइल पर आ जाए. एंड बेस्ट मुझे तो लग रहा है कि मैं तो फिर कितना खाती हूँ इन लोगों का सुन के मैं तो मुझे कुछ खाना हो ना फास्ट फूड तो अपने शौहर को कहती हूँ आप मंगाओ मैंने एक बाइट ले दी बाकी आपका चीट डिप ऐसा होता है कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मियां को कहती हूँ आप मंगा लें कुछ प्लीज एक बाइट तो मैं एक बाइट खा लेती. हाँ जैसे कोल्ड ड्रिंक का किसी को शौक है ना आप ना मंगवाएं आपकी फ्रेंड या आपके तो ऐसा लग रहा था कि जेल से निकल कर आई नहीं है दाल रियली बैड कोल्ड ड्रिंक इतने सालों बाद पिकनिक पे गई एक अभी पेप्सी का सिप लिया मैंने कहा कि थैंक यू वेरी मच मैंने कोल्ड ड्रिंक का तो जरूरी है ब्रांड डोंट टेक कोल्ड रेगुलर मतलब हैज अ लॉट ऑफ शुगर डाइट इज आल्सो वेरी नो इट इज डाइट डाइट हैज a lot of chemicals but it does not have to main badi aam aurat hu jab diet karti hu to religiously karti hu kuch nahi lekin jab main khana khati hu na to jisse wo aurat baithi na camera ke us taraf वैसे ही बिरयानी का पहाड़ बना के खाती हूँ डाइट की. अच्छा आम औरत की ना एक मसला है क्योंकि मैं जिम जाती हूँ मैं नॉर्मल अपने एरिया के जिम चली जाती हूँ जैसे मुझे सुबह टाइम नहीं मिल रहा तो मैं जिम चली जाऊंगी मैं उस दिन कर लूंगी जिम. तो मैंने एक बड़ा आम औरत का मसला देखा उसको लगता है कि एक्सरसाइज करके वजन कम हो जाएगा. एक्सरसाइज से बॉडी फर्म होती है मेरा वजन कभी एक्सरसाइज से कम नहीं होता बॉडी टाइट होती है टोन होती है. और अगर आप समझ रहे हैं कि सिर्फ डाइट तो देखिए बहुत दफा वजन हमारा 80% डाइटिंग से कम होता है 20% स्टिफ होती है. वर्ल्ड का रूल है 17-30 का रेशियो है 70 आपका परसेंट सिर्फ और सिर्फ आपका डाइट मैटर 30% आपका बॉडी एक्टिविटी और एक्टिविटी में भी आपको ना ख्याल रखना है आपको मसल ट्रेनिंग करनी सबसे पहली एक्टिविटी होनी चाहिए वॉक वॉक आपको वॉक से स्टार्ट ना. अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ डाइट नहीं करती मेरा वजन बढ़ता है बढ़ेगा एक्सरसाइज करने के बाद भूख लगती है. एग्री सो एक्सरसाइज वजन बढ़ाने के लिए भी होती है लागिन लोग हैं और परेशान है अपने सूखेपन से. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा से जैसे 95 से मैंने स्टार्ट किया है तो आपकी मसल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. आप ये नहीं सोचे कि मैं घर पे बैठ के मैं सिर्फ डाइट कर लेती हूँ तो मेरा वजन कम हो जाएगा. आपकी खा
बाल लटक जाएगी आपको, वो अच्छा नहीं लगेगा। वेट ट्रेनिंग से आपका वजन ज्यादा जल्दी कम होता है बनिस्बत सिर्फ कार्डियो। एग्जैक्टली, बस सही। अब कल से मैं वॉक भी करूंगी, वॉक बेस्ट, मैं जिम नहीं जा रही, घुटनों में बहुत दर्द है, बेस्ट एक्सरसाइज वॉक करूंगी बस कल। और कार्डियो में जो आप करते हैं ना उसको आप लो इम्पैक्ट पे लाके आप उसको पल्सेस रिपीट करें से अपनी बॉडी वेट के साथ भी, तो भी आपका मसल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो आई कंप्लीट हुई डाइट, कुछ रह गया? मतलब जो तुमने लाइफस्टाइल कहा, ये डाइट नहीं है, लाइफस्टाइल है। मुझे इसी में ही सुकून मिलता है, होना वैसे यही चाहिए ना, ताकि आप किसी डाइट पर आए ना कि अच्छा बस साथ में। लेकिन लेकिन ये थोड़ा नॉन प्रैक्टिकल है, जैसे उसने अपना लिया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आपको अपना दिमाग, मतलब जिसम से दिमाग भी दुरुस्त करना पड़ेगा। हमारा दिमाग बिल्कुल हिला हुआ है। अच्छा, मैं पहले एक और चीज भी करती थी, लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई, अम्मी मेरे लिए ना मटन बॉइल करती थी, वो भी मैं सिर्फ 50 ग्राम्स लेती थी, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज़ दैट्स माय पोर्शन साइज, दैट्स सपोज्ड टू हैव इट। तो वो मैं लंच में उबला हुआ, वो क्या टेस्ट होता था। अच्छा सुनो, जब तुम्हारा वजन बढ़ा हुआ था तो तब तुम खाती क्या क्या थी? मुझे लगता है मैं जंक ज्यादा खाती थी, और तब मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी टाइप बाहर का खाना ज्यादा खाती हूं नहीं, बट मुझे लगता है ऑफ टाइमिंग ज्यादा खाती हूं, क्वांटिटी ज्यादा, मंचिंग क्वांटिटी ज्यादा। ओके ओके, ये बहुत अफेक्ट। सो भाई यहां पे शर्मीन, अब तुम्हारे पास आते हैं और फिर यहाँ अय्याशी की डाइट थी। अय्याशी वाली ये जो डाइट है ना, ये संडे की आपकी, जिस दिन आपने चीट करना है ना, तो किरण हमें बताएंगी कि चीट कैसे किया। ये इसी की तरह एक लाइफस्टाइल वाली है। मैं चीट में भी ब्रेड नहीं ले सकती मैं तो ब्लोट कर। मेरा जो है ना, ऑनेस्टली मैं इस तरह से, जैसे सरहा ने अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर लिया, मैं नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम अ कंप्लीट फूडी एंड आई लव माय फूड। तो मैं इन दोनों का सुन के बड़ा डिप्रेस हो रही थी कि मुझे तो बहुत शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैं वेकेशन पे गई थी रमजान से पहले, सेकंड रोजे को मैंने लैंड किया है, और ये 40 दिन और फिर ईद का एक हफ्ता मैंने इतना खाया है निदा कि यू कैन नॉट इमेजिन। मैंने पकौड़े भी खाए, मैंने मीठा भी खाया है, और मेरे लिए सबका एक चीज़ होती है ना जो कि बहुत लगती है। खैर राइस का तो मुझे शौक ही नहीं है, मैं नहीं टच करती, लेकिन मुझे मीठा, शुगर इज माई पॉइंट, मैं मीठे के बगैर नहीं रह सकती। तो वो एवरी नाइट खाने के बाद मेरा डिजर्ट भी मस्त था। तो जब डिजर्ट क्या होता था बहन? कुछ भी, एनीथिंग स्वीट, मिठाई हो, केक हो, चॉकलेट हो, एनीथिंग, आई आल्सो लव स्वीट, बट मीठा जरूरी है, क्योंकि वो, और शुगर एक ऐसी चीज है, सो एडिक्टिव, आप जितना खाते हैं उतना आपकी बॉडी क्रेव करती है, जितना आपकी बॉडी में जा रही होती है शुगर, उतना आपकी बॉडी को और चाहिए होता है। तो इट्स अ विशियस साइकिल, एग्जैक्टली, वो आपका कभी स्टॉप नहीं होता। अच्छा, अब अगर किसी का है स्वीट टूथ है, तो आप क्या क्या मशवरा दे सकती हैं कि ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये हकीकत ही नहीं है कि स्वीट टूथ नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है दुनिया में, ये कुछ भी नहीं है, ये मिथ है सबसे बड़ा, जिसे हमने खुद क्रिएट किया है। लेकिन मुझे मीठा देख के पता नहीं कुछ होता है, आई रियली लव मीठा, एवरीवन लव्स मीठा, क्योंकि शुगर में एक एडिक्टिव प्रॉपर्टी है, शुगर एक केमिकल है कि जो हमारे ब्रेन के हमारे लेवल पे एंडोर्फिन को जाके हिट करता है ना, इसलिए। अब मैं एडवाइस क्या करूँगी, अगर हम बाहर की चीज़ कह रहे हैं तो रसमलाई एक ऐसा मीठा है कि जिसका मिल्क हटा दिया जाए, और अगर उसको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में खाया जाए तो कंपैरेटिवली कम क्वांटिटी, क्या छोटा सा ही तो होता है क्या भाई, एक बाइट से शुगर फ्री आता है। रसमलाई आ गई हमारी देसी मीठे में से, केक्स में से अगर लेती हूँ तो इट्स अ न्यूयॉर्क चीज केक के जिसका क्रस्ट हटा के आपने ऊपर से थोड़ा सा खा लिया। क्या मतलब न्यूयॉर्क चीज केक खा लिया, चलेगा? चलेगा। क्रस्ट कितना खा सकते हैं? कम चम्मच, 2 से 3 चम्मच। अच्छा सही है, नॉट लेकिन वो वाली चम्मच नहीं कि वो चम्मच भी इतना ऊपर चीज केक में क्रस्ट नहीं लिया, फैट बहुत थोड़ा सा लिया, कम कर दिया, क्रस्ट नहीं लिया आपने, ऊपर से ले लिया, तो आपकी क्रेमिंग कम हो गई, शुगर भी उसमें कम होती है कंपैरेटिवली केक के, उसमें क्रीम्स कम होती है, चीज होती है, तो वो इतना ज्यादा फैट एक्युमुलेट आपकी बॉडी में, क्योंकि आइसिंग शुगर डलता है चीज केक में, नॉर्मल शुगर नहीं डलता, ये आइसिंग शुगर डलता है चीज केक में, नॉर्मल नहीं डलता। इसके साथ साथ आप योगर्ट बेस कोई भी ऐसा डिजर्ट लें कि जो कि योगर्ट से बेस करता हो, बहुत सारे ऐसे बेकरी में डिजर्ट्स आते हैं, पुडिंग होती हैं, पुडिंग्स होती हैं। अच्छा, और मुझे तो बहुत सारे लोगों ने गुलाब जामुन को ना पानी में धो के खाते हुए भी देखा। ओह माय गॉड, नॉट अ बैड आईडिया, नॉट एट ऑल, वंडरफुल। मैं खाती भी हूँ क्योंकि मुझे गुलाब जामुन पर्सनली बहुत
पसंद है, तो मेरे जब भी हम कहीं दावत में होते हैं मैं एक गुलाब जामुन जरूर खाऊंगी। सुनिए, मैं जरा बाथरूम से आती हूँ, शादी से लड़ने के बाद उठाया गुलाब जामुन धोया नहीं, सबके सामने उठाया, ग्लास में डाल दिया, ग्लास में डालने के बाद फोक से उठाया, अपनी प्लेट में लिया, दिस इज व्हाट आई एम। वैसे मीठा जितना रिच होगा ना उतना ही कम खाया जाएगा। एक दो जैसे आपने कहा ना कि आप शादी में जाओ तो आप पहाड़ी नॉर्मल लोग होते हैं, यू आर लाइक अ नॉर्मल वुमन एंड यू। अच्छा मैं बहुत नहीं खाती, मैं शादी में जाके ना देखती हूँ कि मीठे में क्या क्या है। हां मैं मीठा, अगर मैं चीख रही हूं तो देसी मीठा, मैं पूरे में सिर्फ मीठा खाती हूं। खुराक बहुत नहीं है मगर मैं जिंदगी में आई डोंट नो, अभी तक बुढ़ापा आ गया पर मैं ये नहीं कर सकती, इसे तो जवानी से अपनी जवानी बर्बाद करती है। नहीं ये सही है, आप ना ऑटो ट्यून हो जाते हैं, जैसे रमजान में होता है ना, देसी मीठे का शौक नहीं, मैंने बचपन से नहीं खाया मिठाइयां, नहीं बहुत ऐश की है, मैं तो जवानी में बहुत खाया है यार। आई लव गुलाब जामुन, आई लव ऑल काइंड ऑफ, आई लव वो बालूशाही, अरे कुछ नहीं तो पराठे में चीनी डालकर रोल खा लो, दही में चीनी डालकर खा, पता है क्या लोग क्या कह रहे हो, पराठे के साथ चीनी, लोग कह रहे हो डाइट का शो कर रहे हैं या हमारे मुंह में पानी ला रही है बालूशाही है। तो बस अब दही में चीनी डाल के पराठे के साथ भी चीनी डाल दी, तो इसलिए जब मैं मीठा बहुत खाती हूँ और मेरा फिर वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है, मेरा जो कट ऑफ है ना वो 3 किलो पे, जब मेरा 3 किलो ओवर हो जाए जो मेरा आइडियल वेट है उससे, तब मेरा स्टॉप लग जाता है, क्योंकि उस वक्त मुझे आइडिया हो जाता है कि अब आई नीड टू गेट बैक टू माय वेट। मशीन पे रोज खड़ी होती हो क्या? दिन में 3 दफा। मेरे पास वेइंग मशीन नॉट अ गुड अप्रोच, आई डोंट केयर, मुझे मैं सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई चेक माय वेट, उसके बाद आई अलाउ माई सेल्फ ओनली 500 grams ड्यूरिंग द डे, 500 to 600 grams, के रात तक मेरा वेइंग मशीन पे 600 grams से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जिस दिन मैंने उससे ज्यादा बड़ा, इसका मतलब मैंने आज बहुत ओवर ईटिंग की। पानी का भी तो वेट होता है, पानी तो आपका निकलता रहता है ना, यू वॉच कर रही है ना, तो इसलिए पानी तो आप जितना कंज्यूम कर रहे होते हैं उतना आपकी बॉडी, 3 दफा नहीं तो 2 दफा तो एटलीस्ट करना ही करना है, मस्ट है। तो खाना खाने के बाद, अच्छा फिर खाना खाने के बाद कभी भी नहीं, आप सुबह नाश्ता क्या करी? तो इसलिए फिर मैं शुगर को अपनी डाइट से, जब मैं डाइट पे जाती हूँ, कम्प्लीटली एलिमिनेट करती हूँ। फिर तो एकदम एग्जैक्टली, तो मेरी बॉडी को फौरन फर्क लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना यूजुअली भी होती है शुगर की, तो इंस्टेंट स्विच पे जाती है फैट बर्निंग पे। दूसरा ये नाश्ता बताओ फिर ब्रेक पे जाओ। व्हेन आई से नो शुगर आई मीन नॉट इवन फ्रूट्स, नेचुरल शुगर भी मैं नहीं ले सकती हूँ, दिस इज व्हाई सबकी ट्रेज में जो है फ्रूट्स है, मेरे पास फ्रूट्स नहीं है। अच्छा यू डोंट हैव फ्रूट्स आल्सो, मैं नाश्ता अपना करती हूँ, हम से ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं, अच्छा मैं थोड़ा सा फैट्स को अपना हाई रखती हूँ, दो इट्स नॉट कम्प्लीट कीटो लेकिन इट्स टू अ लिटिल सिमिलर टू कीटो डाइट, मैं फैट्स, मैं ऑयल नहीं यूज़ करती, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट विद एग्स स्टार्ट करती हूँ अपना डे, बिकॉज एग्स गिव मी अ लॉट ऑफ एनर्जी, मेरी ना स्ट्रेंथ, दे कीप माई स्ट्रेंथ अप, उससे वीकनेस नहीं होती एग्स से, आई मेक देम इन अ टेबल स्पून ऑफ बटर, मैं ऑयल नहीं यूज करती, या तो आप असली घी यूज कर लें या ऑलिव ऑयल यूज कर लें या बटर यूज कर लें, आई यूज बटर, बटर आई जस्ट फील जब मैं डाइट पे होती हूँ और मैं कार्ब्स नहीं ले रही होती, तो जब मैं बटर अपनी डाइट में जितना ज्यादा इंट्रोड्यूस कर रही होती हूँ उतना मेरा वेट जल्दी से गिर रहा होता है। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, देयर हैज टू बी सम साइंस। अंडे कितने होते हैं? दो अंडे फ्राई विद यू बटर में विद यू। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, शर्मीन की डाइट ले रहे हैं, और मतलब लाइक देखिए ना किसी को भी बिल्कुल शुगर एलिमिनेट करती है और वजन यूं गिरता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए साथ डाइट करते हैं। वेलकम बैक गपूरी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। में फालसे खा रही हूँ आजकल, हर ठेले पे फालसे हैं और मुझे गंदे फालसे खाना अच्छे लगते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? होती है क्या? बगैर धुले हुए फालसे, मुझे गंदे फालसे खाने का शौक है कि ठेले से खरीदो वही मसाला हो थैली में डालो, माय गॉड, और थैली में मुझे अमरूद ऐसे धुले हुए नहीं, धुलकर लगता है कि उसका टेस्ट ही खत्म हो गया। अगर मैं बनानास लेके आऊंगी ना घर पे, वो मैं पहले धो के रखूंगा, हूँ थोड़ी सी ठंडे भी धो के हम फ्रिज में रखते हैं। आप पकड़ाते हो ना बेबी? सही है, चलो। मेरा बेटा 1 साल का हो गया तो मैं उसको कभी पकड़ा देती हूँ पील करके, थोड़ा सा वो खा रहा है बैठ के, तो मुझे लगता है कि वो सब गंदगी मुंह में जाएगी, मट्टी मुंह में जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है, बट इससे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा यार, वो जमीन बहुत है उसके लिए। कोरोना भी आया तो हम कोरोना के आगे यूं खड़े रहे, क्योंकि ऐसे माशाल्लाह बगैर धुले हुए बहुत स्ट्रांग खाते हैं, क्योंकि हमने ठेलों में गोरे गोरे ढह गए बचपन में, वही ना गोरे ढह गए हम लोग ने बर्दाश्त कर लिया भाई। अच्छा हो गया, ऐसा कुछ नहीं आया कि नीट स्ट्रीट फूड भी सब कुछ ठीक है, एक होता है, एक हर कोई किसी चीज के बारे में फिनिकी होता है।
कुछ ना कुछ. अच्छा भाई शर्मी, तुम्हारे नाश्ते तक आए थे, बोला मक्खन में मैं अंडे बना के, दो अंडे बना के खा लूं, उसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ और थोड़ी सी हल्की सी कुटी भी मिर्च डालती हूँ, मैं जस्ट यू नो फॉर फ्लेवरिंग. मैं सॉसेस कोई नहीं ऐड करती, मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ मैं किसी खाने में ना ऐड करूँ, क्योंकि सॉसेस में हमेशा हिडन कार्ब्स होते हैं, शुगर के फॉर्म में या किसी स्टार्च के फॉर्म में होता है अगर आप इन्ग्रीडियंट्स पढ़ें, तो आई स्टे अवे फ्रॉम सॉसेस. उसके बाद लंच में अगेन मैं या तो ब्रेस्ट फिलेस ले लेती हूँ, 100 ग्राम्स के मैं लेकर आती हूँ, 100 ग्राम्स के होते हैं या तो मैं एक तो बहुत कम रहता है, डेढ़ या फिर दो फिलेस, अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ चिकन, चिकन ब्रेस्ट, वो मैं अगेन बटर में उसको स्टीम करके थोड़ा सा 1 से 1.5 टेबल स्पून बटर डाल लिया, और उसके बाद कुटी मिर्च डाली, नमक डाल लिया. अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तो फिर मैं जो मैंने यहाँ पे रखना मैं रखवाना भूल गई थी, या तो मैं एक चीज़ का स्लाइस ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा सा चीजी सॉस का बन जाता है, या फिर कभी चेडर चीज़, या फिर मैं कभी 1 से 1.5 टेबल स्पून क्रीम ऐड कर लेती हूँ. ये कीटो चल रहा है फुल. नॉट फुल, क्योंकि कीटो में देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर फैट इनटेक, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जितने मैक्रोज में फैट्स हैं आप उतने ले रहे हो, वरना हालांकि मैं उतने नहीं लेती हूँ, मैं कार्स नहीं ले रही होती, बट मेरे लिए इट वर्क्स एनीवे. तो ये मेरा लंच होता है, उसमें मैं चिकन के अपने ब्रेस्ट फिलेस लेके, एंड इट्स वेरी फिलिंग, इट कीप्स मी सैटिस्फाइड फॉर अ गुड 4 to 5 आवर्स तक, मुझे भूख नहीं लगती. और उसके साथ तुम सैलेड वैलेड कुछ नहीं लेती? उस वक्त कुछ नहीं लेती, उस वक्त सिर्फ मेरा ये चिकन फिलेस होते हैं इन आइदर ओनली बटर, या फिर इफ आई एम फीलिंग वेरी हंग्री तो मैं या तो उसमें चीज ऐड कर दूँ या क्रीम ऐड कर दूँ, दैट्स माय लंच. ओके, उसके बाद फिर अगर मुझे बीच में होता है ना, यू फील पैकेज इन द इवनिंग, आपको क्रेविंग्स हो रही होती है जो मेरे लिए बहुत डेंजरस है, अगर मेरे पास उस वक्त स्नैक ना हो तो फिर मैं चीट कर लेती हूँ, मैं कुछ ना कुछ ऐसा उठा के खा लेती हूँ जो मुझे नहीं खाना चाहिए. ठीक है, तो देन आई कीप सम काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट हैंडी, मतलब ड्राई फ्रूट में भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कैशूज और पिस्टैशूज आर हाई इन कार्ब्स, तो मैं उनकी तरफ नहीं जाती. तो क्या खाती हूँ मैं यूजली रखती हूँ, वैसे तो आइडियल मुझे आई लव पाइन नट्स, वॉलनट्स और आलमंड्स एंड पीनट्स तो मैं अपने पास रखती हूँ, मूंगफली, बादाम और अखरोट, लेकिन मैं शाम के वक्त पीनट्स नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं पीनट्स लेकर आती हूँ वो थोड़ी मिर्चों वाली जो आपको मिल जाती है ना स्टोर से, वो मैं बाद के लिए रखती हूँ, क्योंकि मुझे रात को भी थोड़ी भूख लग रही है. शाम में मैं हैंडफुल, पूरा भर के नहीं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप गिन कर 15 से, हालांकि हो सकता है आप कहें कि 15 भी ज्यादा है, लेकिन मैं 15 से 16 नट्स लेकर अपने हाथ में गिन कर, या तो वॉलनट्स या फिर आलमंड्स, ये शाम में मेरा स्नैक होता है जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए होता है. उसके बाद अराउंड 7:30 to 8 इज माई डिनर टाइम, और डिनर में मैं सिर्फ सैलेड लेती हूँ, सैलेड सैलेड में अच्छा बड़ा बोल बना. अच्छा, सैलेड में तुम चिकन डालती हो कि नहीं? नो मीट, ओनली वेजी. मेरे लिए सैलेड में आई डोंट हैव टू हैव मीट, आई लाइक माय वेजिटेबल्स यू नो ऑन देयर ओन, मैं सारी रॉ करती हूँ, हालांकि लोगों को लगता है कि नहीं मशरूम सॉटे कर लिया करो, कैप्सिकम सॉटे, आई डोंट लाइक इट, आई लाइक माय वेजिटेबल्स रॉ एंड वेरी क्रंची, उनका फ्लेवर मुझे बेस्ट लगता है. तो उसमें मैं सैलेड बनाती हूँ आइसबर्ग लेटस के साथ, कैप्सिकम, क्यूकम्बर, ऑलिव्स एंड मशरूम, ये 5 मेरी वेजिटेबल्स मस्ट है, जो मेरे लिए ट्रीट है अगर मुझे मिल जाए, क्योंकि वो एक्सपेंसिव बहुत होता है. एवोकाडोस, एवोकाडोस आर अगेन हाई इन फैट्स, लेकिन उनमें कार्ब्स नहीं होता, एंड आई थिंक दे ऐड एन अमेजिंग टेस्ट टू योर सैलेड, बहुत क्रीमी. अगर आप एवोकाडोस डालिए तो आपको ड्रेसिंग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी क्रीमी होता है कि वो बहुत अच्छा टेक्सचर हो जाता है. विद दैट, बिकॉज आई एम अ चीज लवर, आई एम अ मीट लवर ऑल्सो, लेकिन मैं फेटा चीज भी जरूर डालती हूँ. फेटा चीज से बहुत मजा आता है, फेटा चीज का सैलेड, यू नो, इट गिव्स योर सैलेड दैट किक. देखिए सबकी डाइट अलग है, सबकी डाइट अलग है. मैं ये सोच रही हूँ जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं ना आदमी, वो लोग सोचेंगे कि खवातीन कितनी मेहनत करती हैं, अपने आप करती हैं, लिटरली खवातीन मर्दों से ज्यादा मेहनत करती हैं अपनी फूड पर. क्योंकि यार एक जुमला होता है यार, कंट्रोल कर लो यार, ज्यादा हो गई हो. बिल्कुल ऐसा ही है, एक जुमला होता है आपका दिल चीर फाड़ देता है. हाँ, मर्दों पे लगता है, मर्दों को इतना नहीं, अगर वेट पुट ऑन हो तो लोग इतना लोग औरतों को ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है. लेकिन मर्द कौन होता है अगर, लेकिन यार मर्दों को भी काम करना चाहिए वजन, ये कोई बात ही बेईमानी है. नहीं, लेकिन अगर आप बोलेंगी, मेहनत करनी चाहिए. अगर आप बोलेंगी किसी आदमी को कि आपने वेट गेन कर लिया, तो बोलेगा तो सेहत की निशानी होती है. भाई मैं अपने मियाँ को बोल देती हूँ तो मेरी लड़ाई हो जाती है उससे. मैं करती हूँ यासिर, अगर मैं ये बोल दूँ यासिर मत खाओ, उफ़ अल्लाह, उसको तो दिल को लग जाता है खाने को ना. अगर मैं बोल दूँ यासिर मत खाओ, क्या कर रहे हो, सो बस
तो मुझे पता है कि उस दिन लड़ाई, तो जिस दिन मुझे लड़ाई करने का मूड होता है तो मैं उसको बोल देती हूँ यार क्या कितना खाओगे। सो इसीलिए दो कमजोरियां हैं, एक फैट्स और दूसरी कार्बोहाइड्रेट्स, उन्हें रोटी भी चाहिए और उन्हें हर हर उसमें फॉर्म में फैट्स चाहिए, तो वो ये दोनों चीजें नहीं छोड़ पा रहे होते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमें रोटी खानी है, और अब उनसे ओट्स की रोटी नहीं, मर्दों को टेस्टफुल खाने चाहिए। बट हैव यू नोटिस गोश्त में नहीं छोड़ा जाता उनसे, खवातीन ज्यादा बीमार हो जाती हैं, मैं भी नहीं छोड़ता हूं मर्दों को, मैं भी गोश्त होता हूं। क्या खवातीन ज्यादा बीमार हो जाती हैं, फौरन बीमार हो जाती हैं खवातीन, डिप्रेशन ही नहीं देते हैं वो, बेचारी सोचती बहुत है, बेचारी मासूम डोसाइल होते हैं हम लोग, डिप्रेशन टेंशन बहुत है औरतों को भी। मैं फिर भी कहती हूं कि खवातीन इतना बीमार हो के अपनी बीमारियां जाहिर भी नहीं करती, मर्द अगर जिस दिन बीमार हो जाए आपके घर पर तो आपने कभी मर्द के सर पे दुपट्टा बंद देखा? खवातीन मानती है मर्द को जरूरत ही नहीं है, वो सो जाएगा जाके बेचारी खवातीन जो है वो दुपट्टा बांध के उसने पूरा काम करना, बच्चों को भी देखना है, बेचारी मुंह से बोलती रहे मेरे सर में दर्द हो रहा है, काम सारे कर रही है। सैलेड में मैं अगर थोड़ी सी मुझे ब्लैंड लग रही हो या ड्राई लग रही हो एवोकाडो ना स्पेशली अगर मेरे पास, सो आई एड अ टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल एंड लेमन सिर्फ इसके लिए ताकि थोड़ा सा वो इतनी ड्राई ड्राई। अच्छा ये डाइट तुम कब तक कर सकती हो, कितने दिन तक? दो हफ्ते बस, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद मेरी चीखें निकल जाती हैं क्योंकि मुझे भाई आई लव माय फूड। चिड़चिड़ी होती है उस डाइट के दौरान? हाँ बहुत ज्यादा। बताओ तुम जब डाइट वाइट करती हो तो तुम्हारे मूड स्विंग्स कुछ होते हैं? नहीं नहीं, चपेट लगती है एक बच्चे को किसी को? नहीं नहीं, मेरा या घूरी देती हो मीरा को? मेरे सिर्फ मूड स्विंग होते सफाई पे। अच्छा, जिस दिन मासी ने नहीं सफाई सही करी उस दिन मेरा, उस दिन सब घर वालों का, सिर्फ उसका नहीं सब घर वालों का। तो आदत बन गई ना, सिर्फ आदत है, लेकिन अगर कभी मेरा मूड ऑफ हो तो मैं फिर पूरे दिन बस चुप रहती हूं। एग्जैक्टली, आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन। जब मैं चिड़चिड़ी हुई होती हूँ मुझे मेरा नहीं दिल चाहता कोई मुझसे बात करे, आई जस्ट वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन, कोई ना मुझे देखे ना कोई मुझसे बात करे। मैं तो डाइट में चिड़चिड़ी अच्छी खासियत नहीं, बच्चे भी क्या है एक्चुअली खाना सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं आपके माइंड को भी अफेक्ट करता है, यू आर व्हाट यू ईट। अच्छा, वो भी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए हम सब डाइट तो बता रहे हैं लेकिन शायद हमारा चिड़चिड़ापन जो है वो बेचारे घर वाले बर्दाश्त कर लेते होंगे, मगर वो खवातीन खास तौर पर जो कंबाइंड फैमिली में रहती हैं, ससुराल साथ है, देवरानी जेठानी साथ रहती है, वहाँ चिड़चिड़ापन अफोर्ड नहीं किया जा सकता। सो प्लीज़ है ना मुझे बताएं, आप डाइट भी करनी है, खानदान की शादी है, पतला भी लगना है, चिड़चिड़ेपन को दूर करने की डाइट के दौरान क्या टेक्निक्स हैं? देखिए सबसे पहले इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम सब ने तो यहाँ पर अपनी अपनी अप्रोच बता ली, क्योंकि हम सेलिब्रिटीज़ हैं, हम एक तो जॉइंट फैमिलीज में नहीं रहते, या रहते भी हैं तो कहीं ना कहीं से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और उन लोगों को पता होता है कि इनकी रिक्वायरमेंट इनकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि टीवी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो औरत जो कि एक जॉइंट फैमिली में रहती है उसको रियलिस्टिक अप्रोच पे जाना है, उसको शॉर्ट टर्म पे नहीं जाना। उसको मैं कहूँगी उसकी डाइट में मैं कार्बोहाइड्रेट्स भी दूंगी, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स दूंगी, उसको मैं वेजिटेबल्स देती हूँ कि वेजिटेबल्स से उसका पेट भरे, और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स देती हूँ ताकि उसको चिड़चिड़ाहट ना हो। अच्छा, क्योंकि उसको तो पूरे हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आ गया? ब्राउन राइस दूंगी। अच्छा, उसको मैं ओट्स दूंगी। अच्छा, उसको मैं जौ का दलिया दे दूंगी। अच्छा है ना, एक और बात मैं यहाँ मेंशन करूंगी, देखिए जो बहुत सारे मिडिल क्लास लोग हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम में है, उनका खाना अगर वो अलग पकाएंगी तो सास एक नहीं आग चढ़ा के खड़ी मेरे बेटे का पैसा बर्बाद कर रही है, बिल्कुल होगी। उसके लिए मैं बहुत आसान सी चीज भी बताऊंगी कि उनको मैं खिचड़ी की फॉर्म में चीजें दे देती हूँ, बड़ी आसान सी रेसिपी। तो बहाना करके सासू माँ पेट खराब हो गया, पेट में दर्द है, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, सब्जियों और दालों से खिचड़ी वैसे ही सस्ता खाना लगता है, इतना सस्ता खाना और इतना पेट भरने वाला खाना। मैं अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ कि आप तमाम सब्जियों को मिलाएं, बारीक बारीक काटे जो अवेलेबल सब्जी है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, बारीक बारीक तमाम सब्जियों को काट लें, मूंग की या ये जो साबुत मसूर की काली दाल है ना, ये हर घर में अवेलेबल होती है। इसकी खिचड़ी बनाएं, इसकी खिचड़ी बनाएं क्योंकि इसमें फाइबर सबसे ज्यादा होता है, और इसी तरह एक ग्रीन मसूर भी होते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इन दोनों की मिला के सब्जियों के साथ एक खिचड़ी बना लिया करें। अच्छा, ये तो इतना एक सस्ती सी और आम सी चीज है, घर के जो मसाले अवेलेबल हैं
ठीक है ना, वो आप उसमें डालें और उसको एक दलिये नुमा बना के खाएं, आपका पेट भी भरा रहेगा। कितने टाइम खाएं दिन में? ये दो दफा दिन में खाएं, दोपहर और रात, और रात में भी खाएं। अच्छा। और सुबह के वक्त में कोशिश करें कि अगर अंडा फोड कर सकते हैं तो उबले हुए अंडों की सफेदियां दो खा लें। एक अंडा तो मिली इजाजत होती है खाने की। नहीं खा सकती तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई एक फल खा लें, एक फल खा लें, बहुत ज्यादा ना खाएं, थोड़ी सी क्वांटिटी। फल भी लग्जरी है मुझे लगता है। चले ठीक है, लग्जरी अगर मैं एक और चीज ऐड करूं, जब हम लोग शूट पे होते हैं तो हमें जो खाना आ रहा होता है सब लोग मोस्टली वही खा रहे होते हैं, तो वही बात कि अगर इफ यू वांट टू नॉट लूज वेट, मेंटेन योर वेट, या फिर अगर आप डाइट पे हों और आपके पास अपना खाना ना हो, तो मैं ये करती हूँ कि जो भी ग्रेवी आई हुई होती है, जो भी सालन होता है, उसके चिकन या जो भी मीट होता है उसके एक दो पीसेस निकाल के खा लिए, रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं। अच्छा। आई थिंक अगर आप वही वाली बात कि अगर ससुराल में हैं आप, स्पेशली अगर आप इतना बिजी है कि यू डोंट हैव टाइम टू मेक अ सेपरेट मील फॉर योरसेल्फ, ऐसा भी होता है, तो उसमें आप चिकन निकाल के खा लें, दाल चम्मच से खा लें, इसके साथ आपने खीरे ऐड कर लिए, गाजरें ऐड कर लिए, हां दाल दाल। यहाँ में एक और, अगर आप चिकन रोज आपके घर में नहीं पकती, हाँ, क्या आप चिकन के बजाय सब्स्टिट्यूट दाल भी इस्तेमाल कर? दाल सबसे अच्छा, दाल हर घर में देखेंगे ना, जनरली सब्जी तो बनी भी होती है ना किसी, एज फार एज के सिर्फ आलू नहीं है, कोई भी सब्जी आपकी, बंद गोभी इज वेरी गुड, फूल गोभी इज वेरी गुड, जो भी आपके घर में, भिंडी, पता है क्या क्या हमारी जो घरों में खाना बनता है ना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करती है, वो जितना ऑयल में तरह तरह से उसको भूनती है और इतना जो तरी ऊपर आ जाए लेकिन अब क्योंकि हमें तो बीइंग अ हाउसवाइफ अपनी बॉडी भी ठीक करनी है, तो क्या करना है कि पूरे घर वालों को टेस्टफुल खाना दे, बड़ा मजा आता है। अब शादी में कहती है जमीला फुप्पो है, बड़ी प्यारी लग रही है, लेकिन खुद के लिए क्या करना है, खुद के लिए क्या करना है निदा, उसी सालन में ही जब बनाना आप स्टार्ट करेंगी ना, तो चले आपके पास एयर फ्रायर नहीं है कोई बात नहीं, आपने जब प्याज को लाल किया ना, तो लाल करने के बाद तेल को निकाल के थोड़ी सी देर के लिए साइड पे रख दें, तमाम अपने बाकी के मसाले डालें, चिकन डालें, सब्जी डालें, दाल डालें, कुछ भी डालें, उसको कुक होने दें, तेल आपका साइड में रह गया। ये टिप दे रही हूँ मैं तमाम हाउसवाइफ, समझ नहीं आई मतलब? देखें अब जब एक सालन बनने का तरीका होता है ना, हर घर का एक जनरल रूल होता है, प्याज लाल हो गई और प्याज लाल होने के बाद उस सालन में ऑयल उसको निकाल के बोल में साइड में, एक्स्ट्रा ऑयल जो भी, अच्छा, अच्छा। निकाल के रख दिया। हाँ। आप उसमें तमाम टमाटर और जितने स्पाइसेस हैं वो डाल दिए, ठीक है, दाल डाल दी, चिकन डाल दी, सब्जी डाल दी, उसको भून लिया, भूनने के बाद पानी डाल दिया, ढक दिया, जब वो कुक हो गया अपने लिए निकाल लिया, और बाकी का सालन में ऑयल डाल के पूरे घर से लोग दाल तड़के से पहले निकाल लेते हैं, से पहले दाल निकाल, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत काहली हो रही हो तो ये मैं करती हूँ कि दाल निकाली तड़के से पहले और फिर उसमें सैलेड काट के डाल दिया, पूरा सैलेड, जैसे प्याज हो गई, खीरा हो गया, गाजर हो गया, आइडिया बहुत अच्छा, टमाटर हो गया, वो डाल के पूरा उसको कुछ बना के वो ऐसे खा लिया। अब ये जो किया ना निदा, हाँ, क्या कह रही हूं, अगर मुझे शीर कोरमा भी खाना होता है ना, तो अम्मी मेरे लिए चीनी डालने से पहले अलग करती है। बिल्कुल, ये कुछ ऐसी अप्रोच होती है कि अब आपको खुद हाउसवाइफ हैं, आप अपने लिए खुद काम कर रहे चीनी का शीर कोरमा उसका ये बोलूंगी कि यू नो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू ब्लेस योर फूड व्हाइल यू आर कुकिंग योर फूड, बी इन अ गुड एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन, गिव पॉजिटिव एनर्जी टू द फूड, आप उस लम्हे ये भी अपने खाने में ये वाइब्रेशन डाल सकती हैं कि ये खाना तो मुझे बिल्कुल फैटनिंग नहीं होगा मेरे लिए, चलो जी, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्दी, ऑफ कोर्स इट रियली वर्क्स, नो मैनिफेस्टेशन, इट्स अ स्ट्रांग बिलीफ कि जैसा अन है वैसा मन है, आपकी अंदर की जो फीलिंग है, पता है, बिल्कुल सही कह रही हो, जब खाना आपकी घर की औरत नोटिस अपने बच्चों के लिए, तो उस खाने का जायका और उसकी फीलिंग अलग होती है जब आप अपने बच्चों के लिए कुक करें, जब खाने सामान जिसको आप हमेशा डांटते रहते हैं, देखो एवरीथिंग हैज एनर्जी, ठीक है, तो जिस एनर्जी से आप बना रहे हैं वो खाने में डल रही है, फूड एंड वाटर एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, आप लोग बाहर खाना खाते हैं, ऑलवेज इमोशनली क्लेंज योर फूड,
ऑलवेज ब्लेस द फूड कि ये खाना जिसने भी बनाया, क्योंकि यू डोंट नो कि किस शेफ ने बनाया है, किस गुस्से में बनाया है, वो किस हालत में होगा, उसके घर पे क्या चल रहा है, किचन में क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एंड यू जस्ट ईटिंग इन और सडनली यू से कि चिड़चिड़ापन है, अजीब सी मेरी तबीयत हो रही है, आपको खाना तो बहुत मजे का लगा, ट्रांसफर हो रही है, एनर्जीज ट्रांसफर होती हैं, तो वी डोंट नोटिस दिस. हमारा फोकस होता है ऐसे बना लो, ये बना लो, यानी कि जब आप डाइट कर रहे हैं तो आपको अगर आप ये कॉन्फिडेंस रखें, ये जो मैं खा रही हूँ इससे तो मेरा वजन मेरा वजन कम होना ही होना है. हाँ. ये तो मैं रोजाना आराम से खा लूंगी, मेरे लिए ये सादा खाना खाना कुछ मुश्किल ही अच्छा, नहीं है. ब्रेक ले रहे हैं हम किरण, और उसके बाद अय्याशी वाली डाइट तुम्हारे पास आके क्योंकि एक ऐसी भी डाइट होनी चाहिए. और ब्रेक से पहले जाने से पहले बता दूं कि जैसे आपको इंस्टेंट थोड़ा सा एक ये वाली डाइट इतनी हेल्दी नहीं है, इंस्टेंट थोड़ा सा चेंज चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, तो आप 3 दिन लिक्विड डाइट भी कर सकते हैं जो मैं करती हूँ, आपने ही मुझे बताई है, जो मैं जूसेस पी सकती हूँ, सब्जी के जूसेस, स्मूदीज और इन सबको लाइक जूसेस वगैरह जो पैकिंग नाउ सूप्स एंड जूसेस, उससे भी बहुत जल्दी वजन गिरता है. एक और फैशन डाइट है तरबूज डाइट. तरबूज का फैशन है 3 दिन तक कुछ और नहीं खाना, सिर्फ तरबूज खाना. सीरियसली डाइट बेसिकली वाटर. हाँ, तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अय्याशी डाइट आपके साथ. गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज आपने सबके दिल के दुखड़े, दिल के फफोड़े सुने. आप भी हमारे साथ इस दुख में बराबर के शरीक हैं. ये जो वज़न बढ़ जाता है, ये एक ऐसा दुख है कि ये किसी से छुपता नहीं है ये दुख. सो एक खातून है वो हर वक्त हंसती रहती हैं, इनके कभी भी गोश्त नहीं चढ़ता, मगर फिर भी जो अय्याशी वाली डाइट है, गोश्त चढ़ता है, चढ़ चुका है, वॉक से कम किया, खाया सब कम खाया, लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं 3-4 साल से क्या कर रही हूँ, वो ये इंटरमिटेंट पे आ जाती है कि मैं जल्दी खाती हूँ. अच्छा. मेरा डिनर लंच एक ही होता है, अर्ली डिनर होता है, उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं खाती. अच्छा. फिर रात तक भूखी रहती हूँ, ना मुझे भूख का एहसास होता है, अभी ऐसे ट्यून हो गया. हाँ. तो नाश्ते से स्टार्ट करती हूँ, नाश्ता मुझे अच्छा चाहिए होता है, हैवी भी नहीं. हाँ, मैं कभी पराठा बनाती हूँ और देसी घी में बनाती हूँ, लेकिन आई यूज़ जौ का आटा, मकई का आटा और उसमें ब्रान जो भूसी होती है और थोड़ा सा गंदम, ताकि वो पेड़ा अच्छे से बन जाए. अगर मुझे पराठा खाना है तो मैं पराठा चाय के साथ, दूध पत्ती चाय होती है जिसमें थोड़ा सा पानी और लो फैट मिल्क आप ले लें. आजकल मैंने बकरी का दूध से स्टार्ट किया हुआ है कि थोड़ी सी जो अंदर की अगर थकन वकन भी आपकी फील हो रही है तो आप थोड़े से एनर्जाइज हो जाए. तो बॉयल्ड एग होता है, ब्राउन ब्रेड होती है, वेल टोस्टेड, इस तरह से नहीं, मतलब टोस्टर में लगी हुई कड़क की हुई कड़क खाना, उस तरह मक्खन लगा के. तो मैं ये बॉयल्ड एग ये ले लेती हूँ, या कभी पराठा और चाय ले लेती हूँ, फिर मिला के ब्रेड. हाँ, या फिर पराठा और चाय. पराठा और चाय, बट पराठा वो जौ का, वो पूरा फुल कार्ब्स का नहीं कि आप गंदम वाला ले रहे हैं, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो फिर इसके बाद में, और मेरा नाश्ता होता है अराउंड 9:30 के करीब. फिर उसके बाद में 12-1 बजे के करीब थोड़ा सा फल खाने का मेरा मूड होता है, तो फल काटा, फ्रेश फ्रूट जो भी है, जिस तरह भी तरबूज है, केला है, सेब है, कभी फ्रूट सैलड बना लिया चाट मसाला डालकर, नींबू डालकर. शुगर वुगर से मेरा नहीं, कभी तो मैं वो ऑरेंज पाउडर जो होता है ड्रिंक का, वो थोड़ा सा डाल देती हूँ. अच्छा फ्लेवर मुझे देना, और शुगर होती है, हाफ टीस्पून इज फाइन, होती है, दैट्स फाइन. मुझे कोई शुगर से वो नहीं है, हालांकि मुझे कंट्रोल करनी है अपनी शुगर, मैं मीठा बहुत खाती हूँ, बट जब डाइट कर रही होती हूँ, तो फिर बट मैं ये खा लेती हूँ, ठीक है. और इस तरह का सैलड बना लिया, उस सैलड में ही कभी मैं खीरा आइसबर्ग भी डाल देती हूँ सेब के साथ, वो खा लिया मैंने. फिर उसके बाद मेरा 4 और 5 के दरमियान जो मुझे भूख लगती है ना खाने की, तो मेरे पास या तो चावल बॉइल्ड होते हैं, दाल होती है भगार वाली देसी घी की, ये भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही नहीं, लेकिन कम, ताकि वो फ्लेवर आ जाए, यानी कि भर के तो पूरा ऊपर से तरी आपको घी की नज़र आ रही है, कम. और दाल कोई किसी भी फॉर्म में हो, भुनी हुई हो, या तो मैं रोटी खा लूँगी वो भी उसी आटे की जो जौ वाले आटे की मैंने बनाई हुई होती है, या फिर अगर कोई सब्जी है, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स है, चाइनीज स्टाइल बना लिया तो बना लिया, अदरवाइज मुझे देसी खाने पसंद है, तो मुझे आप दाल सब्जी रोज़ाना दे देंगे मैं खा लूँगी. और अच्छा. सब्जी ये कि कम ऑयल में या फिर मस्टर्ड ऑयल में बना. गोश्त कम खाती, मैं बहुत कम खाती हूँ. जो लोग वीगन है, जो लोग गोश्त भी कम खाते हैं, उनकी भी मैंने देखा है, वो कभी नहीं, मैं जैसे आलू गोश्त वगैरह सालन टाइप में बनता है तो वो मैं खाती हूँ. मैं मतलब चिकन का मेरा इस्तेमाल बहुत कम है,
फिश हो जाती है तो वो मैं ग्रिल कर लेती हूँ, वो मेरा टाइम है कि मैं प्रॉपर खाना खा लेती हूँ। लेकिन जैसे जैसे अभी मैं मतलब देख रही थी कहीं रिसर्च कि आलिया भट्ट की स्किन बहुत खूबसूरत है और उसकी उस शादी पे कितनी अच्छी लगी या वो जो मेकअप करती बड़ा अच्छा लगता है, उसकी रीज़न है कि वो वीगन है। वीगन है वो, मैंने तो बीच में एक दफा दाल डाइट भी की थी, मैंने सिर्फ दालें खाई थी कोई 15 दिन के करीब ना, तो उससे भी मेरा वजन काफी कम हुआ था, सिर्फ दालें। आई मीन किसी भी फॉर्म में बना लें, बेशक घी डालें, कोई वो परहेज। अच्छा, यहाँ हमारे अपने किसी ब्रेड के साथ, ब्रेड के साथ खा लें थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी ना, देखिए अगर आप सब्जी खाते, जैसे मुझे ऐसा फील होता है जब मैं ज्यादा सब्जी खा रही होती हूँ, मुझे यहाँ जमा हो जाती है सब्जी, अगर मैं वो खा रही हूँ कच्ची सब्जियां, तो ऊपर जमा हो गई, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती, वो आपको ब्लोट कर रही होती। लेटेस जो है मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोगों को भी हो जाती है। आपके लिए ये एडवाइस है, आपके और ऐसे और बहुत से लोगों के लिए, कि आप जूस बना के पिए या स्टीम करके, बॉइल करके, और स्टीम करने के बाद उनकी जो प्योरी होती है ना, जिस तरह साग की फॉर्म आ गई, सूप की फॉर्म आ गई, हाँ प्योरीज की फॉर्म आ गई, उस फॉर्म में खाया करें तो आपको इजीली डाइजेस्ट। जबकि मुझे इतनी अच्छा लगता है लेटस और ये सब सैलेड्स, मुझे क्रिस्पी जो ये सारी बहुत अच्छी लगती है, मगर मेरे यहाँ सीने पे जमा होता है। ये सब मेरे साथ होता है जब व्हेनेवर आई हैव बेकरी आइटम, जैसे पापे हो गए, ईस्ट वाला कोई भी पिज्जा हो गया, तो व्हाइट ब्रेड पिज्जा डो, हमारे पित्ते में पथरी होगी। इसको कहते हैं, इनको है सेलिएक एसिड डिजीज ना, सेलिएक एसिड जब आपकी बॉडी में जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर ये इनको ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे भी बहुत मैदे वाली चीजें मैं नहीं खा सकती, ऐसा लगता है कि तुम्हारा आगे की रेसिपी वो। अच्छा, ये लंच तक तो हो गया ना, 4-5 के दरमियान मैंने ये लंच कर लिया, यही मेरा डिनर, सब कुछ यही मेरा मील ये। उसके बाद में मैं अगर मुझे भूख लगती भी है तो मैं 7 बजे तक या 6:30 बजे तक चाय बनाया लो फैट में, और साथ में कोई कुकी ले लिया या वीट बिस्किट्स, आई प्रेफर वीट बिस्किट अगर शुगर फ्री है तो वो ले लिया। ये डाइट की बात है, डाइट नहीं है तो नॉर्मल बिस्किट भी है ना, डबल डबल चाय बिस्किट है ये। मैं सोच रही हूँ अपनी डाइट कल से स्टार्ट करूँ। अच्छा, लेकिन हम लोगों को क्रेविंग स्टार्ट हो गई होगी, 7 बजे के बाद मैं फिर कुछ नहीं खाती, मेरा मुंह बंद हो जाता है और ना मुझे भूख लगती है, फिर मैं अगले दिन ही सुबह जाकर रात में तो चाय भी खा के सो जाती हूँ। हाँ, बस वही मेरा नो डिनर काफी बच जाता है, क्योंकि इतनी महंगी महंगी चीजें भी नहीं है ना। तो देखिए ना, कहीं ना कहीं से उन्होंने बैलेंस कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारी घरेलू खातून है वो ये देखें कि अगर इन्होंने शाम में चाय और 1-2 बिस्किट खाए, इन्होंने डिनर नहीं नहीं तो कहीं ना कहीं से सब्स्टिट्यूट कर लिया। एक चॉकलेट खा लेती हूँ रात में, डिनर नहीं कर रही, मतलब मुझे भी कुछ फर्क पड़ेगा। इट्स नॉट योर लाइफस्टाइल अप्रोच, ये लाइफस्टाइल दो दिन से ऐसे कर रही हूँ, मेरा तो यही लाइफ। अच्छा, तो फिर क्या खाती? अच्छा, 2 चॉकलेट के पीसेस खा लेती हूँ ऐसे। और मैं सोचती हूँ मैं पतली होंगी, बट आई टेल यू आई टेक 2 meals a day, जो कि डे जो कि कहते हैं कि आई थिंक आफ्टर 35-40 इज बेस्ट फॉर यू, इज बेस्ट यू टेक योर ब्रेकफास्ट एंड योर लंच एंड डिनर जो कंबाइन, और ये बेस्ट है। इतना इस टाइम पे खाना भी बेस्ट है कि ये टाइम आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा होता है, आप कंजप्शन अच्छा कर रहे होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है रात के वक्त, सुबह से दोपहर रात के टाइम जब भी डिनर करें, मेक श्योर सोने से पहले 3 घंटे पहले आप खा लें ताकि हो जाए, सो यू गो टू स्लीप एंड स्टमक। अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, हम सब लोग ने अपने यहाँ पे डाइट प्लान्स शेयर किए हैं जो कि हमें लगता है कि हमारे पर सूट करते हैं, बट आई एम श्योर एंड आई एम स्पीकिंग फॉर एवरीबडी हियर, एट वन पॉइंट और अनदर हम सब लोग किसी ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए हैं जरूर। तो टू ऑल दोस हु आर वाचिंग दिस शो, प्लीज आप किसी का भी हमारे में से एक प्लान इसको देख के इस तरह से फॉलो नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये ना पता हो वही वाली बात कि आपको क्या सूट करेगा, ट्राई एरर के बेस पे कर सकते, क्योंकि हर किसी के पास इतनी फीस नहीं होती कि वो डाइटिशियन के पास जाए और वो हिम्मत ही छोड़ देगा।
नहीं नहीं हिम्मत करें सबसे पहले तो एक स्टार्टअप आप ऑनलाइन स्टार्टअप स्टार्टअप ले सकते हैं। स्टार्टअप कितना आसान है, आप स्टार्टअप ले लें कि अगर आपको बहुत आपको लग रहा है वेट बहुत बढ़ रहा है, आप एक सूप बना लिया करें सुबह। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि घरेलू खातून क्या करेंगी, हम सबको तो पता है कि हमने क्या किया। मेरे पास जो आते हैं पेशेंट्स में उनको बता देती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि स्टार्टअप कैसे लेना है। कुछ नहीं करना, सुबह उठना है, तमाम सब्जियां जो सीजनल है, जितनी सीजनल है आलू को निकाल दें। आलू को निकाल के तमाम सीजनल वेजिटेबल 5, 6, 7 जितनी अदद छोटा छोटा सा बारीक काट लें और इसमें ये काले मसूर की दाल मिला दें। नमक डालें, छोटी सी हरी मिर्च डालें, गोल वाली लाल मिर्च डालें, कड़ी पत्ता, लेमन लीव्स और लेमन जूस, ये सब डाल के इसको बॉईल कर लें। लेकिन कोई भी बाहर की सॉस नहीं डालेंगे, केचप नहीं डालेंगे, विनेगर नहीं डालेंगे, सोया सॉस नहीं डालेंगे, किसी भी किस्म की बाहर की कोई चिकन क्यूब नहीं डालेंगे, सोया सॉस भी नहीं डालेंगे, सोया सॉस में भी प्रिजर्वेटिव और नमक की मिकदार ज्यादा होती है। नमक कौन सा डालेंगे, पिंक हिमालय सॉल्ट डालेंगे, ये वाला नमक डाला, बॉइल कर लिया, खिचड़ी की तरह बन गया। आपको दोपहर में भी यही खाना है, रात में भी यही खाना है। ये हो गया एक खाना आपका, ठीक है, दोपहर रात का। अब आपको बीच में भूख लगती है, क्या करना है, सुबह में आप कोई भी फल मिल जाए, महंगा हो सस्ता हो, तरबूज है, खरबूजा है, कुछ नहीं तो निदा सुबह में नाश्ते में एक कप दही का खा, फाल से भी खा सकते हैं, फाल से भी खा, मैं तो वही खा रही हूं जब भी मुझे क्रेविंग, फाल से भी खा सकते हैं, आधा कप फाल से और आधा कप दही मिला के भी अगर खा लेते हैं ना निदा, इतना अच्छा प्रोबायोटिक है। लेकिन एक बात बताऊँ, अगर इफ यू ट्राइंग टू कीप इट लो कार्ब ना, हाई कार्ब नहीं कर रहा बहुत अच्छा है, तो फाल्स इज हाई कार्ब, वेरी हाई कार्ब। इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट्स को बताऊँ हम कैसे लेते हैं, एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और दूसरा होता है ग्लाइसेमिक लोड। जब हम इसके फाइबर को देखते हैं ना, तो जब ग्लाइसेमिक लोड जब आप गूगल पे चेक करेंगे ना, तो इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है। इसी तरह तरबूज को भी यही देखा जाता है, कितना मीठा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत ज्यादा है लेकिन ग्लाइसेमिक लोड में कम है, क्योंकि जिस फल में फाइबर होगा वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को जो इंसुलिन बढ़ाने में ना कम मदद देगा, आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होगा, एनर्जी कम रिलीज करेगा, फाइबर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप खा सकते हैं। मुझे फ्रूट सूप करता है, वाटरमेलन से बहुत ज्यादा। जामुन का बताएं, जामुन जामुन में केमिस्ट्री की क्लास ले रही हूं, है मुझे लग रहा है। अच्छा मैं फ्रूट ज्यादा खाऊंगी, आई विल लूज वेट। अच्छा हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, हमें इनसे बहुत सारे सवाल करने पर्सनल सवाल भी। सो यहाँ हम अपने प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं, उम्मीद है आपको कोई ना कोई डाइट सूट करेगी, ट्राई एंड एरर के बेस पर आप कीजिए, और ये जो वजन चढ़ाया है ईद पर और पकौड़े खा खा के रमजान में, उसको उठारे शादी में साड़ी पहननी है। हाँ चले पॉपकॉर्न चॉपकॉर्न खाते हैं, जरा सिनेमा जाते हैं, चक्कर देखने चलते हैं। जी, चक्कर, और जाके सिनेमा का चक्कर लगाइए और हमारी बनाई हुई मेहनत से फिल्म चक्कर देखिए। मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज, थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए।